एक मंदिर, दरगाह या गुरुद्वारा नहीं छोड़ा था जहाँ इसके मिलने की मन्नत ना मांगी हो। स्टेशन पर खो गई थी ये रितु, मेरी बेटी। और देखो ना, ये मिली भी तो कैसे, इन उंगलियों के निशान से। आधार कार्ड बनवाया था इसका, तब काम आया। नहीं तो पता नहीं, आप भी अपने बच्चों का आधार कार्ड बनवा लेना प्लीज। सुना, वो आधार में बच्चों की फिंगरप्रिंट लेते हैं ना? उससे कोई भी खोए हुए बच्चे को अपने घर तक पहुंचा सकता है। कई बच्चों को अपने परिवार से मिलाया है आधार ने, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। तो अब सोच लो, पूरे देश में कहीं भी हो, आधार से ही तो छोटे बड़े सबको मिली है एक सी पहचान। तो पेरेंट्स, आधार अपना लो, फायदे में रहोगे। अरे काकी, आप यहाँ? आपने के भैया के साथ? भैया की तो शहर में नौकरी लगी है ना? अरे बेटा, अब तुम सबको छोड़कर हम कहाँ जाएंगे? अरे यहाँ पर सारे नाते, रिश्तेदार, दोस्त, सहेलियाँ सभी तो है। तुम सभी के साथ तो यहाँ जिंदगी हमारी कितनी अच्छी गुजर रही है। लेकिन काकी, आप लोग यहाँ अकेले रह कैसे लेते हो? अरे बेटा, तेरे भैया भाभी से रोजाना बात होती है, वो भी मोबाइल पे वीडियो से। और जब भी उन्हें छुट्टी मिलती है, वो लोग यहीं पर आ जाते हैं मिलने जुलने के लिए। और उन्होंने हमारी सुविधाओं के लिए यहाँ पर सारे इंतजाम कर रखे हैं। पर काकी, आपकी तबीयत? हमारे स्वास्थ्य का ख्याल तो खुद सरकार रखती है। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र कान, आँख और दांतों की जांच समय समय पर करवाती रहती है। और तो और, हम बुजुर्गों के लिए तो लाइन भी अलग से लगती है। और तो सरकार का कहना है कि जब बुजुर्ग होंगे तंदुरुस्त, तभी तो देश होगा मजबूत। दादी जी, आपकी उंगली की छाप मशीन नहीं पढ़ पा रही, माफ करना, आपको अब राशन नहीं मिल पाएगा। मैं बहुत दूर से आई हूँ, कुछ तो तरीका होगा। तरीका है आंटी, अगर कभी उंगलियों की छाप या फिर आंखों का स्कैन ना हो या कोई और वजह से वेरीफाई ना हो पाए, तो कानून है कि कोई भी दुकानदार राशन देने से मना नहीं कर सकता। आधार लेटर या फिर ई आधार की कॉपी लेकर या उस पे छपे QR कोड को स्कैन करके दुकानदार को राशन देना ही पड़ेगा। और इतना ही नहीं, परिवार का कोई और भी सदस्य जिसका नाम राशन कार्ड पर लिखा हो, वो भी अपनी उंगलियों की छाप देकर राशन ले सकता है। क्या सच? हाँ बिल्कुल। चलिए आपका आधार डाउनलोड करके प्रिंट लेते हैं। इसीलिए मैं हूँ आधार के साथ। मेरा आधार, मेरी पहचान। एक क्षण के लिए भी इस लील चक्र के दर्शन कर लेते हैं तो उन्हें मोक्ष प्राप्त हो जाता है। और ये लहराते हुए पीले और लाल रंग के झंडा, जिसको कि यहाँ की भाषा में बाना कहा जाता है, ये 15 से 16 की संख्या में होते हैं। और ऊपर ये चंद्र बिंदु वाला जो बाना है, इसका भी बहुत महत्व है। ये हमें निराकार प्रभु और ब्रह्म योग का प्रतीक है और बताता है कि यहाँ पे आकार और निराकार, गुण और सगुण सभी आकर एक हो जाते हैं। ये पवन की विपरीत दिशा में बहता है, ये भी एक अद्भुत प्रभु की लीला है। आज आसमान पे बहुत ही घने बादल छाए हुए हैं और बहुत ही सुंदर दृश्य लग रहा है, जैसे इंद्र भगवान स्वयं आके बरसना चाहते हैं और इस प्रभु की रथ यात्रा में भाग लेना चाहते हैं और उन्हें निवेद्य अर्पण करना चाहते हैं। आगे का हाल अंग्रेजी में देने के लिए मैं अपने साथी सरोज जी से अनुरोध करूंगी। Yeah.
वेलकम टू पुरी. दूरदर्शन वेलकम्स डीडी नेशनल व्यूअर्स टू जगन्नाथ पुरी एनुअल कार फेस्टिवल 2019. द लाइव एंड एक्सक्लूसिव कवरेज ऑफ द सेंचुरीज ओल्ड ग्रैंड सेलिब्रेशन ऑफ यूनिवर्सल लव एंड ब्रदरहुड. This is the site of the grand road that stretches from the main entrance, that is the Lion's Gate of Lord Jagannath's temple. The name and fame of Lord Jagannath temple at Puri. This is the temple of Lord Jagannath at Puri that spreads over little more than 10 acres of land on a hillock. This is otherwise known as Sri Mandira also. The edifice that we find that was built in 12th century, but much before that, there was the worship here. And it has a height of a little more than 214 feet. The name and fame of Lord Jagannath's temple at Puri that has spread it all over the world is mostly due to the annual car festival where the Lord's alight the chariots, specially made chariots, which looked like the moving temples on their outward journey to Gundicha Temple. And this is the image that we find on the monitor, is Lord Balabhadra in all decorations, has just stepped out of the main entrance of the temple and would be alighting his individual chariot. He's the eldest of all siblings, and he's now being carried by the servitors, the specially designated servitors, and mostly their non-Brahmin servitors. They are of tribal origin, and this is the grand view of the grand road where the sea of devotion and the devotees they have gathered from all over the world. And two lines we find dressed in white. They are the volunteers. They are there to see that safe passage for every devotee is secured. And this is a grand road, very wide. As you can see at the point where the grand road stretches for 3 kilometers to the Gundicha Temple or the garden house or the garden resort of the lords. And this is the beginning of the grand road where a lot of holy motifs are being made on the road, and especially a group of devotees, they come down all the way from Maharashtra just to spread these colorful powders on the ground just to welcome the lords. And Lord Balabhadra and the crown that is fitted on his head is called the Dahiya, and the movement is called the Pahandi. Pahandi is a word that has come down from the word Pahunda. Pahunda means the stepping. And this is how Lord steps down the 22 steps. I'll be talking about the 22 steps, the significance of the flight of stairs sometime later. But coming back to the movement, this is the way they move. And this Dahiya, which I always feel that has prompted the English word tiara. And Lord wears something like tiara. It's a large floral crown. And this is all prepared by designated artisans. And there are monasteries which are closely related to the Jagannatha temple. And one such is Raghavdas Math, the monastery. And that monastery commissions the making of these tiaras. And these tiaras are made of 5 elements that symbolizes the 5 elements of 5 senses that we have in our body or in the creation. There are the bamboo sticks. 33 numbers of bamboo sticks are there particularly for this dahiya or tiara. And 37 sticks are used for Lord Jagannatha. 33 sticks are here. And they are tied, the sticks of bamboo and also cane. They are tied together with the natural fiber that is collected from the banana plants. And this is designed in such a way that it looks like the spreaded feathers of a peacock. When a peacock is about to dance at the sight of the dark clouds, at the onset of the rains.
and there are the peat designs, the flower patterns made out of the peat. And there are the gong beaters are there, and there are certain dances also. And they are just offering their dancing talents before their lords. And these gong beaters, they are specially trained. They come from two places, one from the Pathuria Sai in Puri, the city itself, and the other group, they come from a village called Vadimunda that is located 80 kilometers from Puri. And as we can see, the round flowers of white color, they're made of peat, and they are in fact the designs of Kadamba. And cloth, Jadorji, and flowers, certain flowers, the white flowers and the Rangani flowers, the red color flowers, they use, and on the top of that, there is a bunch of the grass streaks, 108 pieces of grass streaks, they are there, just to signify that nothing is ignoble. Even the grass is the smallest of old shrubs, that finds a top place on the tiara or the tahia of Lord Balabhadra. That signifies the love. The tiniest of all finds great adoration in the tiara of Lord Balabhadra. And a fanning is done because this time, at this time of the year, here at Puri, the humidity is at the best. And temperature is about 29 degrees Celsius. Some amount of humidity is there, but not very much because of the spell of Saar that happened last night. And this is how the temple has, the moving temple or the chariot has been decorated. It has got the motifs, traditional motifs, the style of the making of the chariot. They are followed for centuries and centuries. And these are the gong beaters, the specially trained gong beaters. And when I talk about the gong beaters, I'm immediately reminded about the chenda beaters of Kerala. The chenda beaters, they beat in two sticks. Chenda is a percussion instrument, but here it's not that, it's a symbol. The gong beaters are there with one stick, and they need some special training. They carry the training, and particularly the gurus, they give their training all through the year, particularly to the children and the youngsters. Those have to be inordinate into the service of the Lord. And they begin. The young gong beater first comes to the Lord's service at the Snan Purnima day, because that is the day that is understood as the most auspicious in the calendar that is followed in the Lord Jagannath's temple. And there are festivals each fortnight that is celebrated in the temple. So in a way, there are 24 high festivals which we find in the temple. And all these festivals, they celebrate, and they are the reflections from the mythological story of Lord Rama and Lord Krishna. And Lord Jagannatha is viewed as none other than Lord Rama and Krishna. And Lord Jagannatha is understood to be the avatari, the source of all incarnations. All incarnations of Vishnu, the 10 incarnations of Vishnu, they have originated from Lord Jagannatha. They begin from Lord Jagannatha, and they eventually return to Lord Jagannatha. And Lord Jagannatha is the primeval deity, the source of all incarnations. And that is why Puri is also called the Dasavatara Khetra, or the temple of 10 incarnations of Lord Vishnu. And here the worship and the system of worship, the system of rituals is a confluence of old schools of thought, old schools of faith, old schools of worship, because the tantrics, they have their own belief of practicing. And this is the top pinnacle of the chariot. And there are two parrots, the wooden parrots are there. They are called the ulotasua, and they are seated around the podha. Podha is the large design, the round set design that is there. On that, two parrots are there, they're the twin chariots,
on the both sides of the podho and on the podho. There is the Dadhinauti, and Dadhinauti is there, and on that the Kalasa is there. And ready. This is the chariot ready. Of Lord Balabhadra, where the Lord Balabhadra would be alighting. And this is significant, this is highlighted with ready its six, individual six. Colors, is green and red. Green, that symbolizes the nature. Ready one. And Lord Balabhadra is understood to be the agrarian lord, the lord of the farmers. And these are the gong beaters. And so these are the gong beaters. They are, and on the right side, there is the Aruna pillar, with the large monolithic granite pillar. And this is the entrance on the eastern gate. And we bring you the live ready and one, exclusive one. Coverage of ready, the car festival two, here at Puri. And you're watching Doordarshan in five one. Languages and eight channels, one, apart from the webcast also. We are on DD Odia, we are on DD National, DD India, DD Bharati, DD Bangla, and DD Yadavgiri. And the live streaming is also available on YouTube on nic.in. And these are the hefty non-Brahmin servitors. They're called the Daitapatis or the Daitaj. And this is the sea of crowd that is getting thicker and thicker every moment. And at the time of the pull of the camels of the chariot, those are tied to the chariots, you'd be finding that there would be no place left on the grand road. And all the vantage points on the roofs, tops also, people are also perched. And this is how the gong beaters are there on the both sides. And they have a special training, and they go on beating the drum, the gongs, exactly like the Olodum players, those who are seen in the Brazilian carnivals also. But there is no carnival spirit here. Here is the spirit of devotion and spiritualism. The viewers, I have a request for all the viewers. All across, the viewers can put their queries on Rath Yatra and Sri Jagannatha Tattva. The relevance of Lord Jagannatha and the rituals also, and also darshan. And they can get their queries replied from our experts during the live transmission. When we go with a live commentary and coverage, next that comes to you exclusive. You can find your answers also. You can send your queries to WhatsApp number 943-916-7391. I repeat, the WhatsApp number to where you can put your queries is 943-916-7391. Once again, 943-916-7391. We would be very happy to answer to each and every query that we would be receiving from all across the globe, because from the experience of the previous years, we find lots of queries. They come from different parts of the world, because we are on YouTube with a live streaming. And this is the gong beaters up there, the specially trained gong beaters, and they are so remarkable with their individual style, just moving. And this is the movement that is also seen when the lords also alight the 22 steps. And this 22 steps, particularly for the Vaishnavas, it has a great significance. If one has to enter into the inner precincts of the temple to have a darshan of the Lord, one has to climb onto the 22 steps. And these are the levels of our own thoughts. One has to come across, and one has to come over all these temptations, attractions, so that one can prepare himself for the darshan or to have a communion with the Lord. And to continue further, this is the Pahandi of Goddess Shubhadra. It's a special style of carrying the goddess. She is not. It is called Sunya Pahandi because she is not allowed to touch the ground. This is the love that the lady of the temple
the goddess of the temple cannot be put on the ground. So this is how, and she moves, and she has all holy vessel leaves on the head, because she doesn't wear the type of crowns or the tiaras or the tahiyas like the siblings. And these are the dancers also. They are offering their devotion through their dances to the Lord. Everybody is devoting their bits of talent, action, and offering to the Lord. And to continue further in Sanskrit, it's over to Professor Pramod Mishra. जयतु जगन्नाथः जयतु जगन्नाथः सर्वपि भगवत्याः सुभद्रा देव्याः भगपातयात्रा यात्रा प्रवर्तते अस्मिन् अवसरे भवन्तः पश्यन्ति कथं घण्टवाद्यं श्रूयते सर्वे सेवकाः आनन्दं समृदङ्गं सनृत्यं च एतत् सर्वं प्रदर्शयन्ति किमर्थम् एतत् भगवतः कृते सम्प्रति भगवती दृश्यते अस्माकं पुरतः यस्याः शक्तेः अभावं विना यस्याः शक्तेः उपस्थितिं विना मानवजातिः क्षणमात्रं चरितुं न शक्नोति न केवलं मानवः अपि तु सर्वे जीवाः यस्याः शक्त्याः अभावेन क्षणमपि जीवितुं न सम्भवन्ति सा शक्तिः सम्प्रति पुरतः परिदृश्यते यतः जानन्ति भवन्तः भगवान् श्री जगन्नाथं महाविष्णुं बलभद्रं सदाशिवं ब्रह्मशक्तिं सुभद्रां च प्रणमामि पुनः 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 तां ब्रह्मशक्तिं सुभद्रां प्रणमामि सा देवी सम्प्रति पुरतो दृश्यते हरिद्रवर्णा अतिशोभना पुष्पालङ्कारभूषिता सर्वैः सेवकैः सानन्दं नीयमाना स्वच्छाहं भगवत्याः ईदृशी पदपादयात्रा जा पहण्डीयात्रा इति उच्यते देवी सुभद्रा द्वयोः भ्रात्रोः मध्ये एव मध्ये विराजते महादेवी महाशक्तिः शिवशक्त्या युक्तो यदि भवति सत्तः प्रभवितुं न चेदेवं देवो न खलु कुशलं स्पन्दितुमपि ततस्त्वाम् आराध्यां हरिहर विरञ्चादिभिरपि प्रणन्तुं स्तोतुं वा प्रथमकृतपुण्यः प्रभवति भगवत्याः करुणा सम्प्रति सर्वेषाम् उपरि निपतति सर्वे भक्ताः सानन्दिताः प्रफुल्लिताः सानन्दं नयन्ति भगवतीम् अहो भाग्यम् अस्माकम् एवं भूता देवी या सकलरक्षिता सम्प्रति तस्याः अपरमपि रूपं वयं पश्यामः सर्वत्र मन्दिरे सम्प्रति मन्दिरस्य रूपं पश्यामः यत्र पुष्पं पूर्णतया विराजते पुष्पविमण्डिता पुनश्च दृश्यते आगच्छति देवी मुक्तालङ्कारभूषिता एवं तावत् भगवत्याः यथा दर्शनं वयं प्राप्नुमः तथा भगवत्याः आवासस्थलस्य सम्पूर्णस्य मन्दिरस्य पुष्पविभूषितस्य दर्शनं कुर्मः भक्ताः सेवकाः यथा चामरव्यजनेन घण्टानादेन सर्वान् आनन्दयन्ति तथा भक्त्याः अपि कृपालाभाय सर्वेषां कृते तथा अपूर्वम् अवसरमपि प्रयच्छन्ति वयं पश्यामः कथं सेवकाः दैतापतिसेवकाः आनयन्ति भगवतीं महादेवीं सुभद्रां सम्प्रति त्रयः रथाः विलप्यन्ति अस्माकं पुरतः न केवलं त्रयः रथाः तेन सार्धं भगवतः मुख्यं मन्दिरमपि अस्माकं दृष्टिपथम् आरोहति सर्वत्र मन्दिराणि 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 न रथाः अपि तु मन्दिराणि पुनश्च भगवतः मन्दिरम् अहो एवं तावत् रथत्रयं विलोक्यते पीताम्बरविभूषितः रथः भगवतः जगन्नाथस्य पुनश्च रक्ताम्बरविभूषितः कृष्णाम्बरविभूषितः रथः एवं पुनश्च वयं पश्यामः अस्मिन् बृहद्दाण्डे बडदाण्डे कथं सेवकाः सन्ति अहो भगवतः सम्प्रति नृत्यं दृश्यते भगवान् कथं भक्तरूपेण अत्रैव नृत्यति यथा गोपिकाभिः सह कृष्णस्य नर्तनम् अभवत् तथा वयं पश्यामः भक्ताः तथा एव नृत्यन्ति भगवान् श्रीबलभद्रः अग्रे गच्छति ज्येष्ठः समाजस्य कथं शृङ्खला ज्येष्ठः एव अग्रे गच्छेत् तदनन्तरम् अन्ये सर्वे गच्छेयुः भगवतः तथा पारिवारिकं जीवनं वयं पश्यामः अस्माकं जीवने तथा भवेत् यः ज्येष्ठः सः अग्रे गच्छेत्
सर्वविधां विपदं दूरीकुर्यात् तदनन्तरञ्च अन्ये अनुसरणं कुर्युः एवं भूतः यः सन्देशः अस्माभिः प्राप्यते भगवतः यात्रायाः यन्तिं यात्रा यन्तावत् भगवतः लीला एव वयं पश्यामः अपाणिपादो जवनग्रहीता यथा पाणिपादः नास्ति परन्तु पदपादपूर्वकं गच्छति विलोकयामः किमयं देवः स्वयं ब्रह्म दारु ब्रह्म विलोक्यते दारु ब्रह्ममाविरस्तु हृदये कारुण्यवाराङ्निधि भगवती सुभद्रा तस्याः रूपम् अपूर्वं रूपं विलोकयामः एवं भूतं रूपं न भूतो न भविष्यति पुनश्च जनसमुद्रं पश्यामः मन्दिरस्य पुरतः जनसमुद्रे जनाः कथम् उद्वेलिताः उत्कण्ठिताः सन्ति कदा आगमिष्यति अस्माकं हृदयदेवः भगवान् जगन्नाथः भगवान् बलभद्र अहो रूपं दृश्यते भगवतः अपूर्वं रूपं बलभद्रदेवस्य अग्रजस्य जस्तावत् आदौ पुरः गत्वा सर्वेषाम् अनुजान् आदिशति आगच्छन्तु मम पश्चादेव अहम् अग्रे गच्छामि सर्वविधा विपद् दूरी भविष्यति का कथा भगवतः दर्शनेन भगवतः कृपया समग्रः संसारः कथं प्रचलति एवं सम्प्रति नेत्रभागं वयं विलोकयामः दुर्भ्यां शोभितलङ्गळं संसरं कादम्बरी चञ्चलं रत्नाढ्यं वरकुण्डलं भुजवळैरक्रन्तभूमण्डलं वज्राभागचारुदण्डभुजं नागेन्द्रचूडोज्ज्वलं सङ्ग्रामे चपलं शशाङ्कधवलं श्रीकामपालं भजे बलभद्रदेवं कामपालं वयं भजामहे एवं भूता तावत् यथारूपं दृश्यते तथा एव भक्तानां हृदयसन्धर्तं दृश्यते कथं तावत् व्यजनेन भगवतः दुःखं दूरीकर्तुं भगवत्याः सर्व भगवतः बलभद्रदेवस्य सम्प्रति परिवेष्टिताः भक्ताः परिवेष्टिताः सेवकाः दैतापतिसेवकाः कथं नयन्ति विलोकयन्तु भगवान् दृष्ट्वा दृष्ट्वा गच्छति नास्ति पादः किन्तु गच्छति गच्छन्निव पादयुक्तः मनुष्यः इव एवं भूतं नर्तनं तथा मुकुटशिरोभूषणं पुष्पभूषणं नृत्यति स्वयं भगवान् अपि धीरं धीरं गच्छति धीरं धीरं पदपातपूर्वकं गच्छति कुत्र सन्ति मम भक्ताः कथं तिष्ठन्ति समग्रविश्वस्य जनतायाः कृते एवं भूतं भगवतः यत् आगमनपूर्वकं दर्शनं समग्रविश्वस्य शान्त्याः मैत्र्याः आनन्दस्य सन्दर्शनं करोति अयं रथयात्रा भगवान् स्वयं स्थिरः सन् स्वकीयं पुष्पमुकुटम् आगच्छति यन्तावत् पहण्डिजात्रा प्रचलति एकस्मात् अपरम् अपरः आगच्छति अतः वयं विलोकयामः भगवतः यथा बलभद्रस्य तथा तत्पश्चात् सर्वाः सर्वे अग्रजः यथा आगच्छति तथा अनुजः अनुजा च आगच्छतः विलोकयन्तु एवं भूतं मनोहरं दृश्यं भक्ताः पुष्पाणि क्षिपन्ति भगवतः उपरि सानन्दं भगवान् अत्रापि अलात् नृत्यं भवति एवं तावत् बनाटिचक्रं दृश्यते कथं विभुन्वितं भवति अस्माकं पुरतः भगवतः पुनः दर्शनं वयं कुर्मः भक्ताः पुष्पाणि क्षिपन्ति न केवलं पुष्पाणि क्षिपन्ति सानन्दं यथा उच्यते पत्रं पुष्पं फलन्तोऽयं जमे भक्त्या प्रयच्छति अथ भक्त्या प्रयच्छन्ति सर्वे भक्ताः सम्प्रति भगवान् श्रीबलभद्रः तथा एव धीरं धीरं पदपादपूर्वकं गच्छति अयम् इतः पूर्वम् अस्माभिः तस्य केवलं गमनयात्रा न दृष्टा अस्माभिः तेन सार्धम् अपरं सर्वमपि दृश्यं विलोकितं तदेव वर्णाटस्य नर्तनं दृश्यम् अस्माभिः दुर्मनं च दृष्टम् एतेन सार्धं भगवतः अपूर्वां कान्तिं न केवलं वयं विलोकयामः सोऽपि सर्वान् भक्तान् दृष्ट्वा आनन्दितस्सन् धीरं धीरं सादरं समायाति रथारूढो भविष्यति भगवान् परन्तु पदपातपूर्वकं भगवतः इयं यात्रा यथा जनाः पदपातपूर्वकम् आगच्छन्ति तथा भगवानपि स्वयम् आगच्छति पदपातपूर्वकं जनानां समीपे आगन्तुं तस्य परमासमीहा भक्त भगवत्सम्मेलनं
समृद्धि वयम विलोकयामः रथस्य समीपे सर्वे वरुण्डीभूता सन्ति सहायकः पुनश्च अस्माकं सहयोगिनः विलक्ष्यन्ते रथे भगवतः आगमनार्थं कथं सज्जीकरणं भवति पीत रक्तवस्त्र परिहितं पुनश्च नीलवस्त्र परिहितः रथः कथं विलोक्यते भगवतः जनाः रुण्डीभूताः सन्ति एवं भूतानां जनानां सहयोगेन जनानां दर्शनाय भगवतः आनन्दः अतीव मोक्षदायकः यतः जेतावत् पश्यन्ति इमां यात्रां ते न केवलं आनन्दिताः भवन्ति भगवतः करुणाम् अपि प्राप्नुवन्ति समग्रं विश्वं सम्प्रति विलोकयति भगवतः बलभद्रदेवस्य अग्रजस्य यात्रां भगवान् कथः कथं पदपातपूर्वकं गच्छति एवं पदपातपूर्विका इयं यात्रा पहण्डीयात्रा इति उच्यते भगवान् बलभद्रः सानन्दम् आयाति जनसमुद्रः विलोक्यते जनानां धर्मापनोदाय सम्प्रति जलबिन्दुसेचनं भवति तदेव वयं पश्यामः भक्ताः कथं सानन्दं स्थास्यन्ति पुनः इमां यात्रां सस्नेहम् अवलोकयिष्यन्ति विलोकयिष्यन्ति द्रक्ष्यन्ति च सम्प्रति वर्णाटस्य घूर्णनं भवति भक्ताः कश्चित् घूर्णयति पश्यामः एवं वर्णाटः भगवतः पुनः दर्शनं क्रियते अहो भाग्यं भगवान् पुनः धीरं धीरं समायाति समग्रं भक्तमण्डलं विलोक्य पुष्पमुकुटपरिहितः सन् पुष्पमुकुटपरिहितः भगवान् आगच्छति भक्ताः घण्टनादपूर्वकं शतालम् एवं तस्य पुरतः गच्छन्ति एवं पुनः वयं पश्यामः भगवत्याः आगमनं सर्वेषाम् आगमनम् अवलोकयामः तेन सार्धं प्रत्यक्षतः पश्यामः कथं बालिकाः नृत्यन्ति रासस्य स्वरूपं पश्यामः पुनः वर्णवेष्टनं वर्णघूर्णनम् अपि पश्यामः चित्रं मधुरं चित्रं बृहद्दण्डस्य मध्यभागे कथं विलोकयति वयं विलोकयामः न केवलं तेन सार्धं कथं सानन्दं सर्वे सज्जीकुर्वन्ति एतदनन्तरं परवर्तिनीं धारावीमणिं प्रदातुं वयम् अनुरोधं कुर्मः जय जगन्नाथ जय जय जगन्नाथ जय 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 जगन्नाथ पुरी का प्रशस्त बड़दांड और उसके ऊपर निकल रही रथ यात्रा ये घंट वादक जो अपनी समस्त भक्ति को समर्पित कर रहे हैं और इस भक्ति के पारवश्य में देखिए किस तरह से इनके शरीर इनका रोम रोम इनकी आत्मा संपूर्ण रूप से उस भक्ति में लीन हो चुकी है इसी वजह से एक सुंदर समन्वय एक सुंदर ताल का समन्वय एक सुंदर लय का समन्वय इनमें दिखाई दे रहा है ये आ रहे हैं हमारे बड़दाऊ टाहिया पहने हुए राघवदास मठ से ये टाहिया आता है एक विराट टाहिये को पहनकर महाप्रभु और अधिक विराट और भव्य हो जाते हैं और उनकी भव्यता यहाँ पर इस घंट नाद के ध्वनि के माध्यम से दशों दिशाओं में गूंज रही है और बता रही है कि किस तरह से महाप्रभु चले आ रहे हैं यहाँ पर कोई उड़ीसी नृत्य कर रहा है कोई शिव के वेश में अपनी भक्ति को समर्पित कर रहा है जैसे भी हो जो भी हो मन की अपनी भावनाओं को जिस किसी माध्यम से भक्त अभिव्यक्त कर पाता है वो उस प्रकार से अभिव्यक्त कर रहा है और इन समस्त भावों को महाप्रभु के चरणों में समर्पित कर रहा है यहाँ पर हर एक मनुष्य ये भूल चुका है अपने पद पदवियों को अपने अहंकार को अपने भेदभावों को यहाँ पे वो आज सिर्फ और सिर्फ एक भक्त बनकर आया है और समस्त भक्ति को यहाँ पर वह समर्पित कर रहा है यहाँ देखिए एक दैत्यपति के हाथ में आप देख सकते हैं दो बेत है जगन्नाथ परंपरा में इन बेतों का और इस बेत से पड़ने वाली हल्की मार का बहुत महत्व है कहते हैं इस बेत की मार को अपने सर पर अपने शरीर पर लेने से जो कुछ पाप हमने किए हैं वो सारे पाप कृत्य प्रक्षालन हो जाते हैं ये मंदिर के
सुंदर गुमट और कितने सुंदर, कई वर्षों से ऐसा नहीं देखा, इतने सुंदर पुष्पों की सजावट और मंदिर का ये संपूर्ण विहंगम दृश्य जहाँ पे रथ प्रतीक्षारत हैं अपने अपने स्वामी के आगमन की, और रथों के पीछे खुला हुआ बड़दांड और इस बड़दांड के चारों तरफ एक सुंदर घेराबंदी कर दी गई है सुरक्षा की, ताकि ना ही महाप्रभु को किसी प्रकार की तकलीफ हो और ना ही भक्तों को किसी प्रकार की तकलीफ हो। इस घेराबंदी के बाहर भक्त सुंदर तरीके से स्वच्छंद होकर देख रहे हैं और उनकी रक्षा करने के लिए यहाँ पर पुलिस बल तैनात है और सबसे बड़े रक्षक तो हमारे साथ चले आ रहे हैं। उनके चेहरे के चारों तरफ देखिए कैनवासी वस्त्र लगा हुआ है ताकि उसको पकड़कर भक्त उन्हें ला सकें, क्योंकि वो झूमते हुए पहांडी के साथ चले आ रहे हैं और उन्हें कुसुमी वस्त्र और इस तरह से कई वस्त्रों की परतों से उनको मतलब बांधा जाता है ताकि भावनाओं के इस उद्वेग में उनके अंगों को किसी प्रकार की क्षति ना हो। आप पीछे देख सकते हैं सेनापटा लगा हुआ है जिसके साथ रेशमी डोरियां जो हैं जुड़ी हुई हैं। सेनापटा दरअसल एक सुरक्षा व्यवस्था है, जिस प्रकार से बाहर जाते समय हम अपनी सुरक्षा का पूरा पूरा ध्यान रखते हैं कि अब बारिश में जा रहे हैं तो छाता साथ में लेकर चलें, और गर्मी में जा रहे हैं तो हम अपने शेड्स या कूलिंग ग्लासेस आँखों पर चढ़ा लेते हैं, उसी प्रकार से महाप्रभु भी यात्रा पर निकले हैं तो वो अपनी पूरी सुरक्षा की व्यवस्था के साथ निकले हैं और ये सेनापटा उनके श्रीअंगों को सुरक्षा देता है। ये देखिए ताहिया के ऊपर विजय धूप सुशोभित हो रहा है, विजय धूप जो अक्सर पैरों के नीचे जो दलित हो जाता है, दमित हो जाता है, आज वो भी इठलाता हुआ कहता है कि चाहे मनुष्य मेरे साथ जो व्यवहार करे लेकिन महाप्रभु की दृष्टि में मैं समान हूँ, और शीर्ष स्थान पर अवस्थित होकर वो इठलाता है, गर्व से मधमाता है। ये देखिए श्री मंदिर का सुंदर चित्र, और यहाँ पे अलग चामर की सुंदर व्यवस्था है। महाप्रभु चले आ रहे हैं, इतनी लंबी यात्रा में जाएंगे, अभी अभी तो बीमार पड़े थे, अभी स्वस्थ होकर निकले हैं तो कितनी थकान होती होगी, और इसीलिए उस थकान को मिटाने के लिए बीच बीच में वो रुकते हैं। उनके भक्त अलग चामर से उनकी सेवा करते हैं, कहते हैं थोड़ा पंखा झल दूँ महाप्रभु, थोड़े सी राहत पालें, थोड़ी सी सांस ले सकें। और ये ऊर्ध्वमुखी अपने आँखों से समस्त सृष्टि को देख रहे हैं, दसों दिशाओं में उनकी कृपा दृष्टि बरस रही है, और भक्त जो विशेष करके दैतापति हैं जो गोष्ठी सेवा कर रहे हैं महाप्रभु की इस पहंडी के दौरान, ये है बलभद्र जी का रथ। अब बलभद्र जी आएंगे और इस रथ के ऊपर आरूढ़ होंगे। इस रथ के ऊपर देखिए राहु का चित्र है, कदली के जो पेड़ हैं, और ये सभी शुभ चिन्ह हैं। राहु जो है समस्त दुष्ट शक्तियों से इस रथ को बचाएगा। यहाँ पर एक बार फिर शंखेंदु धवल, कुंदेंदु धवल, बलभद्र, बड़े दाऊ सबसे पहले वो चले आ रहे हैं, उनके पीछे पीछे माँ सुभद्रा, और सुभद्रा के आने के पहले ही सुदर्शन उनके रथ पर आरूढ़ हो चुके हैं। सुदर्शन माँ सुभद्रा की सुरक्षा के लिए बिठाए गए हैं। अब देखिए संयुक्त परिवार में ऐसा ही होता है, जगन्नाथ संस्कृति संयुक्त परिवार की बहुत सुंदर अवधारणा है, जहाँ पर दो बड़े भाई अपनी लाडली बहन को सुरक्षा के साथ अपने साथ यात्रा में लेकर जा रहे हैं। देखिए एक बार फिर झूल रहे हैं, झूम रहे हैं, उनके साथ झूलता झूमता ये टाहिया जो कहता है कि अगर कुछ है सत्य इस विश्व में तो सिर्फ और सिर्फ ब्रह्म सत्य है, बाकी सब मिथ्या है। और आज यहाँ पर देखने वाला हर एक दर्शक, हर एक भक्त, चाहे वो दैतापति हो जो गोष्ठ सेवा कर रहे हों, चाहे बड़दांड पर भक्त हो, चाहे हम हो, चाहे आप हो, हम सभी उस भक्ति के भाव में बह रहे हैं। और ये सुंदर सा मंदिर जो कि पुष्पों से सजा हुआ है, महाप्रभु को पुष्प बहुत पसंद है, क्योंकि ये विधाता की निष्कलंक रचना है, इसीलिए जो कोई अवसर हो महाप्रभु पुष्पों से अलंकृत होते हैं, और आज तो इस संपूर्ण मंदिर को पुष्पों से अलंकृत कर दिया गया है।
मंदिर का हर एक कोना, हर चप्पे चप्पे पर सुंदर वर्ण व्यवस्था के साथ पुष्पमालाएं जो हैं सुशोभित हो रही हैं, और जो कहती हैं कि यहाँ पर हर वर्ण आकर एक वर्ण हो जाता है, भले आँखों को अलग अलग वर्ण दिखते हों लेकिन भाव यहाँ पर एक है। अब यहाँ पर देखिए तोरण लक्ष्मी दिख रही हैं, सकुचाई हुई सी हैं, सिमटी हुई सी हैं, क्योंकि अभी अभी इस द्वार से उनके जेठ बलदाव निकले हैं, इसीलिए थोड़ा सिमट गई हैं। ये भी एक परंपरा है हमारे संयुक्त परिवार की। और मंदिर के ठीक सामने अरुण स्तंभ, जिसके ऊपर अरुण जो कि सूर्य देवता के सारथी हैं, वो बड़े ही विनम्रता पूर्वक वहाँ पर बैठे हुए हैं। उनको ये सौभाग्य प्राप्त है कि वो उस ऊंचाई से हर दिन महाप्रभु के दर्शन देते हैं। देखिए कितनी सुंदर सी प्यारी सी माँ लक्ष्मी, जिनका ये मंदिर है, वो वहाँ पर विराजमान है। और यहाँ पर थोड़े से थम गए हैं बलभद्र, थक गए हैं चलते चलते और भक्तों की गुहार सुनते सुनते, इसीलिए थोड़े समय के लिए रुककर वे अपनी थकान मिटा रहे हैं। और साथ ही वो ये भी देख रहे हैं कि कहीं कोई भक्त छूट तो नहीं गया, कोई ऐसा तो नहीं जो मुझे छूना चाहता हो, कोई ऐसा तो नहीं जो मेरी दृष्टि से बच गया हो, इसीलिए रुकते हैं, चारों तरफ देखते हैं और फिर एक बार उस पारावार में भक्ति के साथ बह निकलते हैं। अलग चामर की सेवा लगातार हो रही है क्योंकि नमी बहुत है और जिसकी वजह से थकान ना हो जाए, इसीलिए पंखा झलते हुए उन्हें आराम देते हुए जा रहे हैं। और यहाँ पर भक्तगण अपनी भी थकान को मिटा रहे हैं, फिर एक साथ उन्हें लेकर जाएंगे। और यहाँ पर जो भक्तगण हैं, जो दैतापति हैं, जो अपने बाहुओं पर उठाकर लेकर आते हैं महाप्रभु को और रथ पर विराजमान करते हैं, ये देखिए यहाँ पर ये महादेवी सुभद्रा का रथ है जिसके ऊपर दो तोते हैं, उल्टे हुए तोते हैं, और ये रथ प्रतीक्षा कर रहा है, अब उनकी महादेवी आएंगी और उस रथ पर विराजमान होंगी ये महादेवी। अब अगर हम इनकी तरफ देखें तो फिर इनका जो टाहिया होता है, ये भी टाहिया पहनती ज़रूर हैं, लेकिन ये जो टाहिया होता है ये मयूर पंख की तरह खुला हुआ नहीं होता जैसे कि जगन्नाथ जी का और बलदाऊ का होता है। इनका जो टाहिया होता है वो पुंजित होता है और एक जगह में टोप जैसा आकार देता है। यहाँ पर ये शून्य पहांडी में जाती हैं, ये दरअसल पहांडी नहीं करती, शून्य पहांडी में जाती हैं और इन्हें दैतापति लेकर जा रहे हैं और उन्हें अपने रथ पर आरूढ़ करेंगे, जहां पर सुदर्शन पहले से ही विराजमान हैं। और दरअसल इस पहांडी की पूरी प्रक्रिया को देखें तो सुदर्शन दरअसल प्रकाश और तेज का स्वरूप है, जो भक्तों को दृष्टि देते हैं, वो दिव्य दृष्टि जिससे कि वो ईश्वर को देख सकें, महाप्रभु को देख सकें। और जैसे ही वो दिव्य दृष्टि मिल जाती है, उसके बाद जो है बलदाऊ चले आते हैं, वो अपनी हलायुध से, उनका आयुध हल है, अपने हलायुध से जो भक्तों के हृदय की कठोर भूमि है उसको जोतते हैं और इस लायक बनाते हैं कि उसमें भक्ति की उर्वर फसल जो है उग सकें। और उसके बाद महादेवी सुभद्रा लाडली बहन चली आती हैं जो भक्ति के बीज बो देती हैं, और तब जब महाप्रभु आते हैं तो भक्ति की फसल हर एक भक्त के हृदय की धरती पर लहलहाने लगती है और चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ भक्ति का पारावार दिखाई देता है। ये बड़ा सा टाहिया पहने हुए बड़े ही वैभवशाली, गरिमामय और भव्य दिख रहे हैं हमारे बलदाऊ, और पीछे से सेनापटा और उनके साथ लगी हुई रेशमी डोरिया, कितना ही अद्भुत दृश्य है। देखिए वैसे तो हम मानते हैं कि महाप्रभु हम सबको अपने हाथों से बंधी हुई डोरियों से चलाते हैं, लेकिन आज वे खुद डोरियों में बंध कर जैसे भक्त चलाते हैं वो वैसे चले आते हैं। सुंदर नर्तक नर्तन की विविध विविध मुद्राओं के माध्यम से अपने भक्ति को समर्पित कर रहे हैं और यहाँ पर भक्ति को स्वीकार करते हुए महाप्रभु चले आ रहे हैं। साथ में सुरक्षा बल भी हैं, वो देख रहे हैं कि कहीं किसी को कोई तकलीफ न हो। पेट की मार भी पड़ रही है ताकि सारे के सारे पापों का प्रक्षालन हो सके।
और यहाँ पर हम देखते हैं, आहा क्या अद्भुत दृश्य है, कितना महान दृश्य है। ये जन समुद्र, जिस प्रकार से समुद्र में सारी नदियाँ आकर मिल जाती हैं, यहाँ पर हर वर्ण के, हर जाति के, हर धर्म के लोग यहाँ पर मिल गए हैं। यहाँ पर कोई अलग अलग श्रेणियों में बंधा हुआ नहीं है, यहाँ पे हर एक व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ भक्त है। और इस बात का अंगीकार करते हुए महाप्रभु आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। कोई भक्त है जो ऊर्ध्व बाहु होकर भगवान को बुला रहा है, क्योंकि स्वयं भगवान की बाहुओं को देखिए, सामने दोनों हाथों को उठाए हुए सभी भक्तों का आलिंगन करना चाहते हैं। और सामने गोटीपुओं के नर्तक, और गोटीपुओ एक विशिष्ट नृत्य परंपरा है जो विशेष करके लड़कों के द्वारा ही की जाती है, जो लड़कियों के वेश में होते हैं। यहाँ पर माँ सुभद्रा शून्य पहंडी में अपने रथ की ओर बढ़ती हुई और अलट चामर की सेवा भक्तों के द्वारा स्वीकार करती हुई, चारों तरफ से विशेष सुरक्षा बल की घेराबंदी है, उसे बीच कोई एक कैमरामैन जो इन दृश्यों को अपने साथ लेकर आप तक पहुंचाने के लिए आतुर है। और ये हमारा परम सौभाग्य कि दूरदर्शन के माध्यम से इस महान रथ यात्रा के दृश्यों को हम देख पा रहे हैं। यहाँ पर हर एक व्यक्ति आकुल है, व्याकुल है, एक दृष्टि मात्र पा जाने को, एक बार स्पर्श कर लेने को। दरअसल यहाँ आने के बाद हम पाते हैं कि हमारी पांचों इंद्रियां भक्ति के पारवश्य में उस महाप्रभु के रस का आस्वादन करने में मतलब तल्लीन हो जाती हैं। आँखों से ये महान दृश्य हम देख पा रहे हैं, घ्राण से अर्थात अपने घ्राण से हम तुलसी कर्पूर चंदन की भीनी भीनी महक हम ले पाते हैं। हम स्पर्श करते हैं चंदन सदृश उस शरदा बाली को, और उसके बाद सुनते हैं वो घंटनाद, और उसके बाद स्वाद लेते हैं तुलसी के तीर्थ का, उस मिट्टी का जो चंदन सी शरदा बाली पर किसी स्वर्ण रेणुओं से कम नहीं है। हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से, अपने अपने माध्यम से, जिसकी जैसी श्रद्धा हो, जो जैसा अभिव्यक्त कर पाता हो, जो जैसा समर्पित कर पाता हो, अपने भावनाओं को समर्पित कर रहा है, महाप्रभु के चरणों में उंडेल रहा है। ये बलभद्र जी का रथ जो शोभायमान हो रहा है, हरे और लाल में रंगों की सुंदर संयोजना, और उसके पीछे भी सुंदर तात्विक विवेचना यहाँ पर प्रस्तुत है। यहाँ पे सिर्फ मंदिर ही नहीं, बल्कि इस बार रथों को भी बहुत अधिक फूलों के साथ सजाया गया है। महाप्रभु बलभद्र पहुँच चुके हैं अपने रथ के सामने, चार माल लगा हुआ है। अब ये चार माल से होते हुए अपने रथ के ऊपर जाएंगे, और देखिए किस प्रकार से सारे के सारे सेवक इस बात के लिए आतुर हैं कि किसी तरह हम उनको रथ के ऊपर आरूढ़ कर सकें। और महाप्रभु झूमते हुए, बलभद्र झूमते हुए, पहंडे करते हुए धीरे धीरे जा रहे हैं, और उनके पीछे पीछे उनकी लाडली बहन सुभद्रा शून्य पहंडी में। यहाँ पर अगर हम देखें तो मनुष्य का आधुनिक जीवन तीन प्रकार का होता है, जिसमें वो महाप्रभु की व्यक्तिगत सेवा, गोष्ठ सेवा और सार्वजनिक सेवा कर सकता है। व्यक्तिगत सेवा मंदिर में जब रत्न सिंहासन पर प्रभु आरूढ़ होते हैं, वहाँ पर की जाने वाली सेवाएं व्यक्तिगत सेवाएं हैं, क्योंकि हर एक सेवा के लिए अलग अलग सेवायत या सेवक निर्धारित हैं, निश्चित हैं। यहाँ पर गोष्ठी सेवा जब रथ यात्रा होती है तो सारे दैतापति साथ में महाप्रभु को लिए हुए चलते हैं, ये गोष्ठी सेवा है। और सार्वजनिक सेवा रथारूढ़ भगवान को देखने के लिए जो आनंद में उल्लास और उत्साह के साथ हम सब भक्तगण यहाँ पर हैं, हमारे लिए ये सार्वजनिक सेवा है, क्योंकि कहा जाता है रथे तु वामनं दृष्ट्वा पुनर्जन्मन लभ्यते। This is Aditya Mahapatra coming to you live from Puri. The sacred occasion of the Rath Yatra and the throngs of the multitudes have swelled in 1 hour, in just 1 hour. Lakhs have streamed into the Bada Danda, the grand trunk road in front of the temple, the abode of the Lord of the Universe, Shri Jagannath. And as we see in the swaying back and forth motion, the god sibling is taken up on his chariot.
back to back, thronging the makeshift ladder, pulling on various ropes. The heavy image is being gradually, surely and firmly swaying, taken up to the Ratha, his own particular chariot. And just before this, dear listeners, you had a view of the Odissi dancers. So I take this opportunity to tell you a little bit about the history of the temple being closely intertwined with the history, the birth and the development of the rich Odissi dance and music traditions of Orissa. The image is now halfway up the ladder. The servitors, some of them giving us beautiful poses of devotional Odissi dance, most of them engaged in pulling gradually, step by laborious step, up the chariot. The Odissi dance evolved from inside the temple. It was primarily danced in the late hours of the evening to entertain and put to sleep the Lord of the Universe. Jagannath, a lover of dance and music, of the good things of life, of food, of entertainment, definitely of percussion and Odissi traditional dance. The Mahari dance slowly came out of the temple. The Mahari dance slowly came out of the temple, and in the motion of the beautiful motion of the body of the dancers, we see a representative of that as gradually he's being pulled, the sibling is being pulled onto his chariot. And now we see the gong beaters, the contours. The contours have a wonderful rhythm sense. The contours have a wonderful sense of rhythm as they sway and beat to the representative movement of the image. This also forms a part of the Odissi music and dance system. In Odissi, it is represented in the bowl of dheik dhina tak dhei dhei dheik dhina tak dhei dhei dheik dhina. If you observe closely, this is the rhythm it is danced to, and it is called ekatali in Odissi. Odissi is truly a beautiful dance, classical, traditional, rich in imagery, and centered around Lord Jagannath. He abode the surroundings of Puri and the far reaches of Ganjam, Parlakhimedi, North Orissa, where it is danced today. And it has found its footprints all over the world. In 30 countries, Odissi is danced today. All of it was born here thousands of years ago and found full expression in the 13th, 11th, 12th and 13th, 14th centuries in the temple, where the Devadasis kept this beautiful dance form alive. And now we see a direct visual of the Lord Jagannath being lifted onto the shoulders, and very gradually, very slowly, being taken out from the temple onto his chariot, slowly and gradually, as Odissi dancers, male and female, the male dancers being called gotipuas, and the Odissi female dancers, girls decked in beautiful costumes and colors of traditional Odissi textile, handlooms mostly, as they dance in welcome to the Lord of the Universe. And now we see those eyes, those large eyes, full of mercy and kindness for suffering humanity.
alongside Sister Subhadra, Spondy has begun, and as she was carried, as Devi Subhadra was carried on the shoulders in a reclining position, now she has been placed in an upright position. The massive heat and the moisture in the air, the sultry weather makes no difference. The gods are constantly being fanned by colorful cloth fans as the servitors throng and attend to little details of tying ropes, of fastening and balancing the huge images. The beautiful tahiya, which you see as the headdress, a decorative piece. In about an hour from now, various devotees will come and take little pieces of tahiya to keep in their houses as a mark of devotion, as a part of the Lord's ambience. This then is the Dashavatara Shri Kshetra, the incarnation of Jagannath in various forms, in various ages, Vishnu, Krishna as Madhav, even the Buddha. All this finds expression here. And in Rath Yatra, the whole history of the Lord and his temple, his abode, all that is available to us in the grand symbols of the Lord of the universe being taken out of the temple gradually of the Singhodwara, the Lion's Gate, among the throng of devotees and survivors. The survivors are totally focused on carrying the heavy body with his own tahiya or headpiece laboriously, diligently. Alongside, we just saw a visual of his sister, Subhadra, again being transported on the shoulders of many survivors in a reclining position. And as Sri Jagannath and his siblings come close to the chariots, we see now the 22 steps or the Bahisi Pacha of Pahandi, Pahandi of Sri Jagannath. Pahandi representing the step-by-step movement, the Dhadi Pahandi. The Dhadi Pahandi is a straight line, step-by-step, descending of the 22 steps from the inner sanctum of the temple onto the Bada Danda, the grand trunk road, the massive courtyard where the three chariots are placed, all waiting for their divine beings, for their own gods and goddesses to come and be enthroned on this very auspicious day, the car festival, Rath Yatra. We from Doordarshan come to you alive in as many as 5 languages, and even from centers like Hyderabad and of course Puri, you are available on various channels of Doordarshan. Yes, now we see a full picture of the all-seeing eyes of the Almighty, Lord Jagannath, the kind, the merciful, the all-powerful, in fact, the Supreme Being, Sri Jagannath Mahaprabhu. The fans are in full motion. I must remind listeners that at this time, on this day, it's extremely sultry. The sultry weather, the moisture in the air, makes it extremely uncomfortable for servitors and devotees altogether. But the deep devotion, the love of the Lord,
and people just brave all these. Later on you might see, you'll see visuals of huge fire brigade trucks spraying water on lakhs and lakhs of people. We see now the visual of the Dhadi Pahundi as one after the other, Jagannath and his siblings are being taken, and they are now very close to their respective chariots. Balabhadra Mahaprabhu has already been placed on his throne and his chariot, and we now wait in turn for Subhadraji, the loved, beloved sister of Lord Jagannath, and the Lord Jagannath himself to be mounted. Again you see the swaying image of Sri Jagannath. Right in front of the Singhodwara, his home, his abode. And soon you'll be able to see the distant shots of the crowd, already a few lakhs, thronging the temple and the Bada Danda, the immense courtyard, which runs for a few kilometers. There would not be an inch of space. Yes. And the Lord, the all-seeing supreme being, the mighty Lord Jagannath, he sees it all. I now hand over you to my colleague, Shri Ashok Pandey, who will comment in Hindi. Thank you. हमारे दूरदर्शन के ऐसे दर्शक जो किसी कारणवश अपना मॉनिटर से कभी अभी ऑन किए हों, हम आपको ये जानकारी दे दें कि यह उड़ीसा प्रदेश की सांस्कृतिक नगरी पुरी धाम है, जहां से दूरदर्शन रथ यात्रा 2019 का सीधा प्रसारण कर रहा है अपने अलग अलग चैनल पर, जिसमें डीडी उड़िया, डीडी नेशनल, डीडी इंडिया, डीडी भारती, डीडी बंगला, डीडी यादगिरी, ब्लूटूथ, nic.in यानी nic.in और lineextreme.in। साथ ही साथ हम इसका जो टेलीकास्ट कर रहे हैं 6 अलग अलग भाषाओं में, उड़िया, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, बंगाली और तेलुगु। यह दूरदर्शन की ओर से भारतीय एकता का एक प्रकार का बहुत बड़ा संदेश है कि हम रथ यात्रा का सीधा प्रसारण अलग अलग चैनलों पर अपने माध्यम से कर रहे हैं। मैं ये भी आपको जानकारी दे दूं कि हमारे वैसे जिज्ञासु दर्शक जो रथ यात्रा का सात्विक तात्विक विवेचन की इच्छा रखते हैं, वे कृपया व्हाट्सएप नंबर हमारे 9439167391, मैं एक बार फिर रिपीट करता हूं, हमारे व्हाट्सएप के ऐसे दर्शक जो जिज्ञासु हो, वे जानना चाहते हैं जगन्नाथ संस्कृति की सात्विक तात्विक विवेचना और जो बड़दांड पर कुछ भी हो रहा है उसके विषय में अगर जानना चाहते हैं, तो हमारे व्हाट्सएप नंबर आप नोट करें 9439167391, आप जरूर हमें भेजें और हम इसका जवाब तत्काल आपको देंगे। एक बार फिर आपको याद दिला दें कि हम आपकी प्रतीक्षा में हैं। व्हाट्सएप पर भी आप हमसे सवाल पूछ सकते हैं। यह जगन्नाथ संस्कृति उड़िया संस्कृति है जो विश्व मैत्री और एकता का पावन संदेश देती है। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9439167391, आप इस पर संपर्क करें और हम इससे आपका हर
सवाल का जवाब आपको दे। आइए आपको सीधे वरदान कर लिए चलता हूँ। यह जो दृश्य देख रहे हैं यह एक भावना है। महाप्रभु जगन्नाथ अपनी पंडित विजय के साथ आगे बढ़ते हुए सिंह द्वार के ठीक सामने से सेवायतगण भक्तगण उनको आगे ले जाते हुए ताहिया उनके सिर पर। यह 35 कोटि देव देवताओं का प्रतीक ताहिया मुकुट राज मुकुट राजाओं के राजा सम्राट महाप्रभु जगन्नाथ का मुकुट। यह महाप्रभु जगन्नाथ का देश है। इसके गृह देवता ग्राम्य देवता राज्य देवता और प्रांत देवता के साथ साथ पूरे विश्व के देवता हैं। आज वे अपनी रथ यात्रा पर अपने रत्न सिंहासन का खुद व खुद त्याग किए हैं। यह महामिलन भक्तों के साथ है। आज तक किसी भी मंदिर में इस तरह की व्यवस्था आपने नहीं देखी होगी जहां भगवान अपने रथ सिंहासन से उतर करके आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन अपने भक्तों के महामिलन के लिए आते हैं। महामिलन शब्द बिल्कुल उपयुक्त है क्योंकि महाप्रभु जगन्नाथ है जिनको हर चीज महा निवेदित किया जाता है, चाहे वह महाप्रसाद हो महाश्रृंगार हो। और ये देखिए ताहिया का दृश्य, ये इस वर्ष नए तरीके से फूलों से सजा हुआ क्योंकि भगवान जगन्नाथ बड़े ही फूल प्रेमी हैं। विभिन्न प्रकार के पुष्पों का ये आस्वादन करते हैं और आस्वादन करने का एक मतलब यही है कि यह परंपरा जो है वर्षों से चली आ रही है। हम यहाँ केवल सेवा और भक्ति देते हैं, ज्ञान भक्ति और सेवा का यह पतित पावन महोत्सव। यह सिंह द्वार का दृश्य देख रहे हैं। महाप्रभु जगन्नाथ अपने पहंडी विजय के साथ अग्रसर होते हुए सेवायतों दैतापतियों और श्रद्धालुओं के साथ आगे बढ़ते हुए इनके मुकुट जिसके विषय में मैं चर्चा कर रहा था कि यह 35 कोटि देव देवताओं के प्रतीक स्वरूप हैं। और यहाँ जो भी भक्त है चाहे हम कमेंट्री बॉक्स में हो चाहे वरदान पर हो चाहे हम दूरदर्शन के अलग अलग चैनलों के माध्यम से देश विदेश के किसी भी कोने में हो हमारे मन में एक ही चाह है कि हम महाप्रभु जगन्नाथ की इस पहंडी यात्रा को देखें। किस तरह के आनंदमय चेतना के प्रतीक भगवान जगन्नाथ वर्ष में एक बार इस रथ यात्रा के दिन इस भक्तों के अथाह समुद्र में आकर मिल जाए। वैसे भी भक्त हैं यहाँ जिनको मंदिर में यानी श्री मंदिर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होती और भगवान जगन्नाथ कहते हैं कि तुम्हारी मुझ में आस्था और विश्वास होनी चाहिए, मन से अंतर मन से हमारे प्रति भक्ति होनी चाहिए, लेकिन भक्ति में अहंकार नहीं। डीडी व्हाट्सएप नंबर हमारा एक बार फिर नोट करें 9439167391। आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं और हम उसका सही उत्तर आप तक पहुंचाएंगे। ये जो पहंडी देख रहे हैं यह पहंडी महाप्रभु जगन्नाथ और ये सिवायतों का जो जो जुनून देख रहे हैं यह एक जज्बा है, एक लालसा है, भक्ति की आकांक्षा है। साल भर इंतजार करते हुए भक्त एक दिन इस आषाढ़ शुक्ल द्वितीया की प्रतीक्षा करते हैं। यह अथाह जन समुद्र जहाँ तक नजरें जाती हैं सुबह से जहाँ बिल्कुल वरदान पर भीड़ नहीं थी लाखों की भीड़ जहाँ भी देख रहे हैं यह जन सैलाब आपको दिखाई दे। और इन भक्तों के मन में एक आस्था है, एक चाह है, एक कामना है। इसीलिए चाहे साधु संत महात्मा सन्यासी योगी और इस धर्म कानन में जितने भी लोग आए हैं वे एक ही चाह के साथ आए हैं कि महाप्रभु जगन्नाथ जो रत्न वेदी पर विराजमान होकर दर्शन देते हैं किस तरह से आत्मीयता के साथ अपने प्रेम को सजो करके भक्तों से मिलने के लिए
अपने रत्न वेदी का त्याग करते हैं और हंसते हुए मुस्कुराते हुए अपलक नेत्रों से आकर अपने भक्तों के जन सैलाब में मिल जाते हैं। इनमें आत्मीयता है। यह जो ओडिसी नृत्य आप देख रहे हैं, महाप्रभु को ओडिसी नृत्य बहुत प्रिय है, क्योंकि इनको हर वक्त एक ही चाह होती है कि हम विश्व मानवता को आनंद का पावन संदेश दें और हम उसे आत्मसात करें। विश्व में जितने भी देव देवता हैं, समस्त देवी देवताओं के समाहार स्वरूप हैं महाप्रभु जगन्नाथ। इसीलिए ये अपने आप में वैष्णव, शैव, शाक्त, सौर्य, गणपत्य सब कुछ है। जहाँ जैन यहाँ आए, जहाँ बौद्ध यहाँ आए, यहाँ पर नानक भी आए, यहाँ कबीर भी आए, यहाँ तुलसी भी आए, यहाँ चैतन्य भी आए। ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन एक वक्त वैसा भी था जब चैतन्य महाप्रभु आए और भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए आए थे, और उन्हें जब पता चला कि भगवान जगन्नाथ अपने इस ज्येष्ठ पूर्णिमा के महास्नान करने के बाद, यह देखिए महोदधि का दृश्य, यह रत्नाकर है, यह समंदर एक ऐसा संदेश देता हुआ कि भगवान जगन्नाथ के चरणों का संस्पर्श करने के लिए वो चिघाड़ रहा है। भगवान जगन्नाथ का ये श्री मंदिर इस तरह का बना हुआ वर्षों की उस परंपरा का द्योतक, जहाँ पर समुद्र की लहरों की आवाज़ अंदर तक प्रवेश नहीं कर पाती है। चारों तरफ इस जन सैलाब में एक ही चाह है, जैसा कि मैं चैतन्य महाप्रभु की बात कर रहा था कि जब आए तो भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए वे गए भगवान अलारनाथ के दर्शन किए, और वहीं पर उन्होंने भगवान जगन्नाथ का सही दर्शन किया ब्रह्मगिरी में। और आज जो दृश्य आप देख रहे हैं, ये महोदधि का दृश्य है। बादलों से आच्छादित प्रकृति का सुंदर अनुपम सहयोग इस वातावरण पर, इस धरा को देखिए कि महोदधि का यह पावन दृश्य किस तरह से तीर्थराज अपने आप में किस तरह से आनंदित हो रहा है, क्योंकि आज रथ यात्रा है ना। रथ यात्रा महाप्रभु जगन्नाथ की यात्रा है। यह जन समुद्र, जन सैलाब, यत्र तत्र सर्वत्र जहाँ भी आपकी नजरें जा रही हैं, उसमें महाप्रभु जगन्नाथ के दर्शन की कामना है। यहाँ जितने भी मठ हैं, यहाँ जितने भी बड़दान के आसपास जितने भी अतिथिशाला हो, होटल हो, और हमारे यहाँ तक कि श्री मंदिर प्रशासन का अपना भवन हो, हर जगह ये भक्तगण देश विदेश के अलग अलग कोने से आकर रुके हुए हैं, ठहरे हुए हैं, और उनके मन में जो चाह है। आज सुबह भी मेरी बात हो रही थी बाहर से आए हुए विदेशी भक्तों से, वे चाहते थे कि किस तरह से भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा का हम दर्शन अपनी आँखों से कर सकें। आध्यात्मिक चेतना के प्रतीक का एक संदेश है कि आपको अगर हमारे प्रति सच्ची भक्ति है तो आपको अपने अहंकार का त्याग करना है। इस संसार में अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष का अहंकार सबको होता है। प्रभुता पाई काई मद नाही, किसके मन में ये लालसा नहीं होती है। लेकिन यहाँ आकर आप जब तक अपने सारे अहंकारों का त्याग नहीं करेंगे, तब तक आप भगवान जगन्नाथ के दर्शन नहीं करेंगे। अंतर मन से दर्शन के लिए और आगे के विवरण के लिए आप हमारे सहयोगी श्री सरोज देवभन से सुनिए। जय जगन्नाथ। ऑल द ग्लोरीज टू लॉर्ड जगन्नाथ। दिस इज द सी ऑफ पीपल एंड देयर आर द रिप्रेजेंटेटिव्स फ्रॉम डिफरेंट मोनेस्ट्रीज। दे हैव कम विद द फैंस, दे आर स्टैंडिंग देयर। दिस इज अ सर्विस दे आर स्पेशली गिवन एज पर द रिकॉर्ड ऑफ राइट्स for centuries and centuries, and this is how the holy vessel leaves are coming from different villages and different monasteries. Those who are given the responsibility of giving the supply to the temple from time to time, and this is the hallmark or the symbol of
the entourage of Lord Jagannath, their white umbrella. As this is the holy vessel leaves are coming, and particularly these holy vessel leaves are coming from a village which is located just a few kilometers from Puri. And that is known as the village of devotion. The legendary devotee of Lord Jagannath, the Dasya Bauri, who held from the unprivileged class, was not allowed to offer the coconut or even the holy basil leaves during a Rath Yatra centuries back. And at the moment, the chariots, they did not move ahead. And it was given in a dream. It was given as a divine order that please accept the coconut and the leaves from that devotee. And just to mark that devotion that happened in a story centuries back, the villagers are supplying the holy basil leaves, and just through the threshold of the eastern gate, that is known as the lion's gate, that opens to the eastern side, and this is the point where the grand road stretches for 3 kilometers, and he is the first citizen of Odisha, His Excellency the Governor of Odisha, Professor Ganeshi Lal. He's also seated there, along with all dignitaries of the state government and also the invitees, those who have come on the invitation of the government of Odisha. They are all seated. Today is a holiday. No state function is held. And with the dark jacket is Mr. Surya Narayan Patra. He is the Honorable Speaker of Odisha Assembly. And a number of dignitaries of the state government, honorable judges of the High Court and Supreme Court, some of them, they are also seen there. And we can see on the both the sides of the lion's gate where two huge stone lions flank the gate. There are bunches of fruits. Bunches of fruits have come as a part of decoration that symbolizes that everything is in plentitude. Everything is in plentitude. There is nothing in shortage. The devotion is not in shortage. People, devotees, devotion, nothing is in shortage. And the wide tahia or the headgear of Lord Jagannatha is touching both the sides of the entrance. That is the lion's gate. He is too huge, too heavy. That is very difficult on the parts of the non-Brahmin servitors to carry him. And these are the boys dressed in the garb of the girls, and they are called the Gotipuaj. And the girls are not allowed to do this type of dance. If I take a look back at the origin of this dance, this began from the time of Gajpati King Ramachandra Dev. And that was the time when Emperor Akbar was the head of the Mughal Sultanate in Delhi Darbar. And that was the time, due to some political reasons and diplomatic failures, the position of Gajpati King Ramachandra Dev was reduced, and he was stripped of the high-end honors. But whatever happened, the people of Odisha, they never felt very low, and he continued, not as being the king of Khurda, but also as the men force behind the Jagannath temple. That is the time the Afghans attacked the Delhi Sultanate, and that was the time King Gajpati King Ramachandra Dev gave safe passage and sanctuary to the Mughals. As a result of that, the hand of friendship was shown from the Emperor Ashoka, and he was given back the title of Gajpati King, and he was also made the temple superintendent, the main force, the administrative head of Jagannatha temple. And towards the end of his tenure, coming under the Vaishnava influences, he started this Gotipur dance. And Gotipur dance that originated from the akhadas or the gymnasiums which are located in different settlements of Odisha, at different settlements of Puri city itself. And Puri used to have in the beginning seven settlements. Why seven sides? That I'll be talking about later during
my version of the commentary. But whatever that is, and these seven settlements, they had these seven gymnasiums, and these young boys, particularly from the age of 6 to 14, not beyond 14, they were given the training, and they were given the massage with oil, and they were given the gymnastics, acrobatic exercises. And in fact, these dance, this is a display, a grand display of superb acrobatic skills. Just to make them interested and to make them fruitful in their endeavor, this dance form was introduced, and this was greatly influenced by the Mahari dance, because Mahari dance was such a form of dance that was not coming out of the temple, because the Mahari dance, the servitors, the women servitors, we were called the Maharij, they were offering their dance in devotion. And this is the Mahodadi, is called the Tittaraja, the king of all holy places. And this is the Bay of Bengal. Thousands of years back, this is the body of water where, in form of the huge trunk, Lord Jagannath appeared, and he was carried by Lord King Indradyumna. And this is how the worship of Lord Jagannath started. The wooden triad, it got started, and the triptych that we find today is the beginning of that time, the devotion that appeared in those days. And many people that think that Lord Jagannath's appearance seemed to be very crude, but whatever is the reason and whatever is the implication or whatever is the significance, but all I can say about it that it symbolizes the existence of God. He is painted in such a way that only the vegetable colors or the natural dyes are used, and every Wednesday he is painted and repainted, and there is no image, there is no deity in any part of the world who is fond of painting. And this is how all the individual cars of the chariots are parked in front of the lion's gate. And this is the sea of devotion, the sea of people that is breaking into the grand road with ripples and ripples, that proves the fact that nobody wants to miss every single bit of the movement of the Rath Yatra or the car festival. It's full of rituals, and everybody wants to be a part of the ritual, at least to be a witness to all these rituals. And Rath Yatra or the car festival is such an equalizer that it makes everybody feel at equal with each other. Nobody is bothered who is standing next to him, whether he's a rich man or a powerful man. All people, they have the devotion, and most of the people, they raise their hands upwards just saying that, oh my God, I surrender myself to you. I have nothing in this world except that I have got the devotion for you. And something had happened there. It's becoming a little uneasy for the movement of the servitors there, and a few of the servitors, those who are holding two pieces of sticks, that is called the Gauri Beta, and once it is touched with the devotees feel that they find some amount of salvation and peace. And this is the grand monolithic pillar of Aruna Stambha, or the Aruna pillar of black granite. It has got the 16 angles, and the top of it, Aruna is seen with folded hands. Originally, this was a part of the temple complex at Konark Temple, which is located just about 30 kilometers from the holy town of Puri. And it was carried during the time of the Marathas, because they found that the temple had caved in and everything is getting destroyed and damaged. So they saved the Aruna pillar and they carried it. They carted, because in those days there was no vehicle. The carts were used to carry the huge monolithic pillar, and this is Aruna, the devotee of sun, and it has got the 16 angles. One can see the angles there, and it has got a large platform also. Pedestal is there. On the pedestal it is seated. And this is the sea of people there, and Lord Jagannatha is about to step into the Bada Danda or
the yard in front of the temple gates wearing the tahiyaj. And to continue further in Hindi, it's over to Srimati Namrata Chadha. Jai Jagannath. Aaj Ashad Mahine ki Ditya. Sara saal ye bhakt se sevakgan isi ka intezar karte hain. Aur kab apni prabhu ko ye seva pradan karenge. Ye ghant vadan taal se taal milate hue ye sab sevak. एक ये विशेष प्रकार की वंशानुगत सेवा है जो केवल उसी घंटुआ वंश के लोग ही दे सकते हैं. पूरा साल बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि कब प्रभु आएंगे और उनसे गले मिलेंगे, उनके दर्शन करेंगे. आज का ये पवित्र त्यौहार अपनी चरम सीमा पे पहुंच गया है. सभी धाड़ी पहंडी जिसको एक एक करके चारों विग्रह अपने रत्न सिंहासन से बाहर आते हैं, 22 सीढ़ियों को उतरते हुए अपने अपने रथ पे विराजमान होते हैं. सुदर्शन जी, माँ सुभद्रा और ये बलभद्र श्वेत रंग के चंद्रमा का आभास देते हुए दाऊ, बड़े भाई बलराम, बलभद्र ये रथ पे विराजमान हो गए हैं. और जिनका सबको बेसब्री से इंतज़ार है, प्रभु जगन्नाथ जी का स्कंद पुराण में दारू ब्रह्म को सर्व दुख हरणी का आशीर्वाद रूप मानते हैं. यह अखंड आनंदमय है और उस अखंड आनंदमय के रूप को देखने के लिए सभी भक्त बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं. इनके सेवक गण जो कि एक विशेष साही में रहते हैं, गांव में रहते हैं, सारा साल ये कुछ भी काम करें, कुछ भी कार्य हो, लेकिन सब कुछ छोड़कर आज ये सेवा प्रदान करने आते हैं. यह अपने वादन से, उल्लास से, घंट के निनाद से पूरे वातावरण को शुद्ध करते हैं, हर्षोल्लास में भरते हैं कि हे प्रभु, देखो सारी दुनिया के लोग तुम्हारे इंतज़ार में बैठे हैं. किन्नर, गंधर्व, नाग, यम, देवी देवता, नर और नारियों की तो बिसात ही क्या है, सभी इंतज़ार में हैं. और सिंह द्वार से निकलने के लिए प्रभु भी आकुल हो चुके हैं. हम लोग एक तरफ कहते हैं कि प्रभु के तो हाथ पांव नहीं हैं, वो कैसे चलेंगे, लेकिन खुद प्रभु को आज उनके भक्त चला चला के धीरे धीरे आगे पीछे बढ़ते हुए रथ की ओर लेके आएंगे. कैसी अद्भुत ये क्रिया है, कैसी अद्भुत ये भक्ति है जो सारे विश्व को चलाता है, जो पूरे विश्व का ठाकुर है, जगन्नाथ है, आज उसको भक्त चला रहे हैं. मंदिर का ये सुंदर अद्भुत दृश्य, इतना सुंदर फूलों से उनका श्रृंगार किया गया है, क्योंकि हर फूल फल में भक्ति है और श्रृंगार रस है और वो भक्ति से परिपूर्ण होके. और यहाँ पे भी हमारे भगवान स्थितिमय होके खड़े हैं और उनके दैतापतिगण पूरे इंतज़ार में है कि कैसे बाहर लाएं. ये श्री मंदिर की माँ लक्ष्मी, तोरण लक्ष्मी, श्री लक्ष्मी जो इस मंदिर की असली मालकिन कहा जाता है, अधिजात्री देवी, सुंदर से फूलों में श्रृंगार की हुई, साड़ी में लिपटी हुई पार्श्व देवी देवताओं के साथ, और बाहर के द्वारपालों से लेकर एक एक स्तंभ को सुंदर फूलों के साथ इतना सुंदर संयोजन किया गया है. कहीं पे गेंदे के फूल, कहीं पे दवणा के फूल, कहीं पे केलों के पत्ते और कहीं के तुलसी के फूल, इन सबको सजाकर किया गया है. पुरी और भुवनेश्वर के बीच में एक गाँव है पिपली, वहाँ की कला बहुत ही मशहूर है और वहीं से ये सुंदर कलाकृति का काम किया जाता है, जिसके कि ये पंखे बनाए जाते हैं और प्रतिहारी उसकी सेवा करते हैं. सिंह द्वार अभी जैसे स्थितिमान हो चुका है, शून्य हो चुका है प्रभु की आंखों की तरह. अब कब वो आगे बढ़ेंगे, सबको इसका इंतज़ार है. जगन्नाथ, मैं तुमको निहारती हूँ जितनी कालिया, मन में यही भावना हिचकोले खाती है, तुम्हारे ये दो नए न्यारे केवल क्या मुझे ही निहारते हैं. और हर भक्त यही सोचता है कि प्रभु और किसी को नहीं निहारते, केवल उनको ही निहारते हैं. ये सफ़ेद रंग के छाता प्रभु की सेवा में, चामर सेवा, सभी अपनी अपनी सेवा देना चाहते हैं. जैसे कोई हृदय से, कोई मन से, कोई तन से, कोई धन से, यहाँ पे कोई किसी छोटा बड़ा नहीं. जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन देखी जैसी, खूबसूरत नृत्य करती हुई ये बालक और बालिकाएँ, क्योंकि रास लीला करते हैं जब कृष्ण, तो मनमोर की तरह नाच उठता है और उसी की वेशभूषा लिए हुए ओडिसी नृत्य करती हुई, क्योंकि कला और संस्कृति का प्रदेश उड़ीसा, यहाँ पे हर केवल मात्र भजन से, नाम कीर्तन से अपनी भक्ति को समर्पित नहीं करते. यहाँ पे नृत्य है, गीत है, भजन है और
हर किसी तरह से सभी अपनी सेवा प्रदान करना चाहते हैं। 36 नियोगी हैं और 120 प्रकार की सेवाएं हैं, तो आप समझ सकते हैं कि कितने लोग अपनी सेवाएं यहाँ पे प्रदान करते हैं। एक तरफ पुरी का विशाल समुद्र और दूसरी तरफ ये भक्तगणों का समंदर। इस यहाँ पे तो सिर्फ एक ही बात याद आती है, जाति पाति पूछे ना कोई, जो हरि को भजे सो हरि का होई। यहाँ पे कौन कह सकता है कौन किस संप्रदाय का है, कौन से धर्म का है, कौन सी जाति का है और कौन से वर्ग का है। यहाँ तो सब एक हो चुके हैं समंदर की लहरों की तरह। ये बड़ा दंड की शरदा बालू के एक एक कण में स्वयं प्रभु ही तो विराजमान है। यहाँ पे आके सभी भक्तगण अपने को धन्य समझते हैं, समझते हैं जैसे वो रथ पे एक बार प्रभु को देख लेंगे तो उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी, फिर कोई जन्म ना लेना पड़ेगा। सुरक्षा कर्मी बहुत ही मुस्तैदी के साथ अपना काम करते हुए, दिन और रात एक करते हुए, बिना खाए पिए, ताकि भक्तगणों को कोई तकलीफ ना हो। हमारे शास्त्रों में कहा जाता है, प्रभु से प्रेम है तो भक्तों से भी प्रेम करो, उनका भी ध्यान रखो। और ये पहंडी की चरम सीमा जहाँ पे प्रभु धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए, पदहुंडन करते हुए, छोटे छोटे पग लेते हुए कभी आगे बढ़ेंगे कभी पीछे बढ़ेंगे। सुबह से आप लोग दूरदर्शन के माध्यम से पूरा सीधा प्रसारण देख रहे थे। सुदर्शन जी तीर की तरह सीधे अपने रथ पे विराजमान हो जाते हैं। माँ सुभद्रा को बहुत गरिमा के साथ उठा के उनके सेवकगण दैतापतिगण उनके रथ पे विराजमान करते हैं। बलभद्र जी थोड़ा सा नखरा तो करते हैं लेकिन विशाल बड़े भाई बहुत ही गंभीरता के साथ, समाज में सम्मान के साथ, जैसा कि बड़े भाई को सम्मान दिया जाता है, वो भी रथ पे चले जाते हैं। लेकिन प्रभु ऐसे नहीं आएंगे, प्रभु तो जगत के नाथ हैं, वो तो सभी भक्तों की परीक्षा भी लेंगे और देखेंगे, मंद मंद मुस्कुराएंगे। ये श्वेत वर्ण चंद्रमा के समान सुंदर बलभद्र जी वीरता के प्रतीक, यहाँ के कृषि के देवता और यहीं पे इनकी मान्यता होती है। जैसा सम्मान उन्हें यहाँ मिलता है और कहीं नहीं मिलता। रथ पे ये विराजमान हो गए हैं और आकुलता से अपने छोटे भाई की प्रतीक्षा कर रहे हैं, लेकिन छोटे भाई तो जगन्नाथ जी हैं, कालिया हैं, वो माधव ऐसे कैसे आएंगे। वो अभी तो बहुत ही अपने नखरे दिखाते हुए, जैसे माता अपने बच्चे का बहुत ही व्याकुलता से इंतज़ार करती है कि कब वो दौड़ के आएगा और उसके आंचल में छुप जाएगा, वैसे ही भक्तगण उनका बाहर इंतज़ार कर रहे हैं कि कब प्रभु आएंगे, पहंडी से आएंगे और अपने रथ पे विराजमान होंगे। रथ जैसे कि चलते फिरते मंदिर, एक पवित्रता का प्रतीक, इतने सुंदर चटकीले रंगों से सुसज्जित और इनके ऊपर जितनी भी कलाकारी की गई है सभी का कुछ ना कुछ महत्व है। केले के वृक्ष, मछली, राहु का सिर, ये जितनी भी चीज़ें हैं ये सब किसी ना किसी प्रतीक के रूप में है, हर्षोल्लास के रूप में है। यहाँ पे राक्षस भी आके नतमस्तक हो जाते हैं, कोई दुरात्माएं चारों तरफ नहीं भटक सकती। यहाँ पर सभी शुभ चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है, कपूर, चंदन, इन सब से पूरे वातावरण को सुसज्जित किया जाता है। इसके सामने पूरे दृश्य में आप देख रहे होंगे कि सभी बालकनी में चारों तरफ लोग बैठे हुए हैं, जहाँ पे जिसको जो सुविधा मिली है वो लोग यहाँ पे बैठ के अपने प्रभु की रथ यात्रा का, पवित्र रथ यात्रा का दर्शन करना चाहते हैं। और बहुत ही बेसब्री से इंतज़ार हो रहा है। इस साल में हर काम समय के साथ हो रहा है, जैसा कि हम कहते हैं धाड़ी पहंडी सुबह 9 से 10 बजे तक होती है और बहुत ही श्रृंखला के साथ काम किया जा रहा है। इसके लिए प्रशासन, मंदिर के प्रशासनिक अधिकारी, दैतापतिगण, सेवकगण, सभी को धन्यवाद देना चाहिए। प्रभु की भक्ति में कहीं कोई आँच ना आए। भक्त इसी मौसम में आषाढ़ की द्वितीया में शुक्ल पक्ष इस पवित्र भूमि पर उनका इंतज़ार कर रहे हैं। देखिए सब कैसे शून्य में विराजमान हो गया है, कैसे स्थिरता आ गई है और इसी तरह से वो इंतज़ार कर रहे हैं। और उस इंतज़ार जब पूरी चरम सीमा पे पहुंचेगा, हर्षोल्लास से सभी हुड़ोहुड़ी देंगे। यहाँ का ये प्रसिद्ध रिवाज है, हुड़ोहुड़ी दे के वो पूरे पवित्र को जागृत कर देते हैं। घंटों के जो मीनात से और मृदंग से, झांझ से, वो पूरे वातावरण में हर्षोल्लास ला देते हैं कि हे प्रभु, जय हे जगन्नाथ, जय जगन्नाथ, और दोनों हाथ ऊपर करके। यहाँ पर एक चीज़ आप विशेषता देखते होंगे, कोई हाथ जोड़कर विनम्र नहीं करता,
भूतपूर्व दोनों हाथ ऊपर करके हरि बोल का जब नारा लगाते हैं, इसका मतलब ये होता है कि पूर्ण समर्पण। कृष्ण ने स्वयं अर्जुन को कहा था कि अगर ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हो तो आपको पूर्ण शरणागत होना पड़ेगा, तभी मैं मिलूंगा। यहाँ पे भक्त जब पूर्ण शरणागत हो जाते हैं, ईश्वर पे सब कुछ छोड़ देते हैं, तभी ईश्वर उन्हें दर्शन देते हैं। ये बेंत की जोड़ी काठी, यहाँ पे इसका महत्व किया जाता है कि धीरे से जो यहाँ के सेवक हैं वो उनके भक्तों के सिर पे मारते हैं, तो कहते हैं उनके मन की जितनी हीन भावना है और गलत भावनाएं हैं या जो भी पाप है, उन सब से उस शरीर को और आत्मा को मुक्ति मिलती है और सभी इसका आशीर्वाद रूप से इसको ग्रहण करते हैं। अभी तो प्रभु अड़े हुए हैं सिंह द्वार के मुंह पर, चलो मैं नहीं जाता, तुम तो कहते हो मैं ईश्वर के भक्त हूँ और मुझे तुम आज चलाओगे जिसको मैं सारी दुनिया को चलाता हूँ, चलो आज मैं नहीं चलता। और वो इस रूप से एक जिद्दी बालक के रूप में वो आज अड़ गए हैं। अब धीरे से वो आगे जब बढ़ेंगे, देखिए उनके वो दो नयन, शून्य दो नयन पूरी दुनिया में, वो ब्रह्मांड में शून्यता का प्रतीक है। वो कहते हैं कि सभी मुझ में विलीन हो जाओ, अपने सुख दुख काम क्रोध सब कुछ मुझ में विलीन कर दो, क्योंकि स्वयं जगन्नाथ प्रभु प्रेम करुणा स्नेह संवेदना समता उदारता और क्षयशीलता का सतरंगी आभा देते हुए बाहर आएंगे। रथ इतने सुंदर विशाल और रथ का आयोजन उससे भी सुंदर, फूलों से सुसज्जित द्वारपाल इतने विशाल कि यम भी डर जाए। इतने बड़े द्वारपाल, रथ की रक्षा के लिए इतने बड़े रक्षक, और ये सब चीज़ें इतनी महान है। यहाँ पे कोई भी चीज़, यहाँ का प्रसाद लीजिए तो महाप्रसाद, यहाँ के प्रभु तो महाप्रभु, यहाँ का जो रास्ता है वो भी महादंड बड़ा दंड, तो यहाँ पे कोई भी चीज़ सूक्ष्म रूप में नहीं होती, सभी विशालता में है। प्रभु के नयनों की तरह, प्रभु के हृदय की तरह, जिस तरह प्रभु विशाल हृदय हैं और सभी को अपने अंदर समा लेते हैं। पूरी का तो यही अर्थ है, पूर्णता। गंगा और गोदावरी नदी के बीच में बसा हुआ ये उत्कल प्रदेश, यहाँ की सुंदर कलाकृतियाँ, कौन यहाँ पे कितने कलाकारों ने मिलकर इस शरदा बालू पे सतरंगी रंगों से इस मुरुज को, इस आल्पना को सजाया है। घंट वादन ने अब जोर पकड़ लिया है, इसका मतलब प्रभु जी अब धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं, एक ही तरफ एक ही दिशा में एक ही ओर जाते हुए देखते हुए। ये फूल ये फल, अगर इसमें भक्ति नहीं है तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि इसमें भक्ति है और भक्तों ने बहुत श्रद्धा से लगाया है, इसीलिए ये इतने सुंदर दिख रहे हैं। ईश्वर कहते हैं मुझे कुछ नहीं चाहिए, ज्ञान और भक्त में भक्ति की बात होती है, तो ईश्वर कहते हैं ज्ञान कृपाण की धारा है, जिसमें भक्ति है वही मेरा है। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ पंडित भया ना कोई, ढाई आखर प्रेम के जो पढ़े वही पंडित हो। जिसमें प्रेम है, श्रद्धा है, आस्था है, भक्ति है, ईश्वर को वही प्यारा है। यहाँ पे कभी कभी आभास होता है ये मंदिर है या रथ है, रथ और मंदिर दोनों मिलके एक ऐसा समागम पेश करते हैं कि लोगों खुद भ्रमित हो उठते हैं कि ये मंदिर को देख के रथ बनाए गए हैं या रथ की शाला मंदिर की तरह सुसज्जित हो रही है। मंदिर और प्रत्येक रथ पे लहराते हुए उनके बाने, और लाल और काले रंग में माँ सुभद्रा का रथ, पीले और लाल रंग में पीत वर्णी जिसको कहते हैं पीताम्बर विष्णु का रंग है वो हमारा नंदी घोष जगन्नाथ प्रभु का रथ, और हरित जो जो बलभद्र हमारे किसानों के कृषि देवता है और वीरता के प्रतीक है, हरित और लाल। आज कृषि से कई लोग विमुख हो रहे हैं, लेकिन बलभद्र हर वर्ष आकर सभी किसान भाइयों से कहते हैं कि कृषि से ही हमारे जीवन की उन्नति होगी, और अगर हम कृषि करना बंद कर देंगे तो हम कहीं भी किसी के मुंह में दाना नहीं डाल सकेंगे। तो इसीलिए प्रभु बलभद्र के यहाँ बहुत ही मान्यता के साथ पूजा की जाती है। ये अब पूजा की आरंभ हो रहा है। हम दिस इज द चीता दैट विल बी पुट ऑन द हेड ऑफ लॉर्ड बलभद्र एंड इन द टेंपल व्हेन द लॉर्ड्स आर सीन इन द टेंपल दे आर सीन वेयरिंग द बिजुल्ड चीता, बट व्हेन दे आर इन द ट्रैवल टू गुंडीचा टेंपल और द समर रिसोर्ट they cannot travel without the cheetah, so that is why the cheetah made out of the pit and with the flowers that is put.
and this continues to be on their heads during the journey and also during the stay there in the Gundicha temple. And after they return to the temple on the Amavasya day, the visual chita, or the chita that is made out of the gold, that is again fixed, and that is also a bigger ritual. And to see that ritual, lot of people, they come and wait in the night to have that. And this is Lord Jagannath fitted with the tahiya, and on the tahiya there are pom-pom shaped round peat made designs are there. They are in fact they represent the Neolamarkia kadamba. That is the botanical name of the bur flower, and that is usually known locally, or even in Hindi, that is kadamba, which is the favorite flower of Lord Krishna. And Lord Krishna and Radha, they used to have their amorous relationship under the tree of kadamba. And Lord Jagannath is viewed as Lord Vishnu. So that is why the kadamba finds a place in the tahiya, or in the headgear of Lord Jagannath. And these are the savitas. Two round big eyes are there. They are so peaceful and peace-giving that everybody is glued to those huge two eyes. And people are seated on every vantage spots, and this is the concept of the packing that is brought from the village of Dasya Bauri. It's full of the holy basil leaves. They will be used, they will be put on the lords when they alight the individual chariots. Because once they climb on the makeshift ladder, that is called the charamala, and they get into their inner sanctum there in the chariots. The chariots are set exactly like the temples, and they are in fact the moving temples. So when they would be seated there, they would be tied and fastened very tightly and safely to the chariot, so that this ritual is called rundhalagi. So it is just to secure that there is no untoward situation happens to, or that there is no damage that happens to the image of the Lord. And a lot of people, they particularly the Westerners, they think this to be the idolatry, because this is the worship of idols. For them, I can tell that this is not idolatry, this is no idol, this is deity. And this is a non-Indian Westerner devotee of Lord Jagannatha. Possibly or hopefully she is an Odisha dancer. She is there just offering her love of dancing, and they're dancing to Lord, because every Odissi dance begins with a Mangala Charana, or with the incantation or the invocations for the blessings of Lord Jagannath in the beginning, so that they can come up with their dance offering to the Lord. And Odissi was visualized, was started, originated as the dance offering to the Lord. And there were seven types of Maharij, and this was not just a variation of the Mahari dance. It got started during the 1950s by Guru Kelucharan Mahapatra and his compatriots. So Lord Jagannath is moving step by step onto the road, just into the outer part of the grand road. And this is the sea of devotion and the sea of devotees that is becoming thicker and thicker. And it is breaking into the grand road in such a force that it is giving giant challenge. It is posing a challenge for the blue garbed or blue dressed rapid action force sepoys, because they find it very difficult to control the crowds here. And in between we can see that there is two lines of white dressed volunteers are there. They are put in such a way that if there is an untoward situation or something happens to any devotee, he can be brought out of that crowd very safely, or even the movement of the ambulance should not be very difficult. This is how beautiful movement. This is called the Pahandi. So beautifully, Lord Jagannatha was stepping out of the temple. And there is the white umbrella in front of him that symbolizes the arrival of Lord Jagannatha. Similarly, we had seen there was used to be the black umbrella in front of Lord Balabhadra. And white and black, they are very symbolic of their presence. The face of Lord Jagannath is black, that is why the umbrella is white, and the face of Lord Balabhadra is white, that is why his umbrella is black.
and this is the flower arrangement, and this is seen for the first time here. A devotee from Delhi had arranged this. Is this has not been arranged by the temple administration. This has been arranged by a group of people, devotees from northern part of India. They had brought all these flowers with themselves, and the artisans, they were seen from yesterday till the wee hours of today, decorating the whole temple complex with the flowers. And the flower decoration is also seen in the Gundicha temple. If the camera goes there, then we'll be able to show you. And you are watching Doordarshan in 6 languages and 8 channels: DD Odia, DD National, DD India, DD Bharati, DD Bangla, and DD Yadgiri. And languages we are using here: Odia, English, Hindi, Sanskrit, Bengali, and Telugu. At the same time, you can also get to see, watch the live streaming of the Rath Yatra on YouTube. If you open to the portal nic.in, this is the Odissi dancers, very aptly dressed in the Odissan textiles and the Odissan jewelry. And this is the type of jewelry that is the hallmark of Odisha designs. Odisha is famous for its textiles. Just a piece of information I would like to share with the viewers, that these Odisha textiles, they have their origin with Lord Jagannatha. Because Lord Jagannatha is so fashionable that he loves to be draped in different types of cloths every day. And in the night, when the lords retire for the night, they are dressed superbly with the silken cloths that is woven in pattern with the lines from Jayadeva's Gita Govinda. Because that is the amorous side of Lord Jagannatha. And Lord Jagannatha is understood in the Vaishnava style as Lord Nrsingha, and also as Krishna. Krishna is amorous and Nrsingha is tantric. But along with Nrsingha and along with Krishna, Goddess Lakshmi is also seen on the left side. So that is why the temple that is dedicated to Goddess Lakshmi, that stands on the left side when Lord's face to the eastern side, while sitting on the bejeweled throne that is called the Ratna Bedi in the inner sanctum of the temple of Lord Jagannatha. And this is how the fanning is done by the representatives coming from different monasteries, because the monasteries, they have an inseparable relationship with the temple for centuries and centuries. And some of the monasteries are the martyrs. They are given the rites, and they enjoy this privilege. So that is why they send their representatives with the fans, the decorated fans fitted with gold and silver designings and motifs. And mostly it is seen the motif of sun, and the motif of moon is sun, because Lord Jagannatha is viewed as sun and moon. And it is sun that the two eyes of Lord Jagannatha, they represent the sun and moon. That is why the eyes are open. They never blink for a moment, because people apprehend that even if there is a blink, there will be the end and destruction of the entire universe. So that is why there is the open eyes, the big open eyes are there, and that attracts the people from all over the world. And this is the swaying of the Lord backward and forward. He doesn't move leftward or rightward. That is not the movement. Maybe it's because of the comfortability, but whatever that is, it proves the fact, it proves the adage that Brahma Satyam, the Brahma is the only truth. And what is Brahma? What is absolute? What doesn't end? What doesn't die? That is Brahma. That is absolute. And all other things are temporary. And all other things, they have a short span of life. Even the wooden body, if we look at the triad or the triptych of the lords, the wooden bodies are there. They have to die one day. But the Brahma that is kept inside it, it doesn't die. So I was talking about the idolatry, the worship of Lord Jagannatha, Balabhadra, and Subhadra. As the Westerners, they think that this is idolatry. This is not idolatry, because idol means a representative or a photograph, that is a photograph or an image or a statue. But this is not statue. This is deity. Deity is the word, comes from the Greek word deus. Deus means your own God. So
So this is just an image, and what is kept inside, that is our God, the origin of everything, the Paramatma, the origin of all powers, the origin of all forces, the origin of all energy, that is there, and that makes the universe work. And that is why everybody wants to touch. And when the Westerners, for the first time many centuries back, they arrived here at Puri, and they got to see the movement of Jagannath, they came up with the idea that this is Jagannath. The word, English word Jagannath, comes from the Indian word Lord Jagannatha. And the first European description of the festival is found in the 14th century, the travels of Sir Mandeville, that describes the religious self-sacrifice, because there used to be the cobbled path, the huge grand road was not black metal, macadam road, and that used to be the cobbled path only, sir. On the cobbled path, when the huge wheels were rolling, it was producing quite such a sound that it was very frightening. And the police people, they were not in large numbers, so some of the devotees, they were throwing themselves in the hope of getting salvation at the giant wheels of the chariots just to be crushed. So there used to be the spill of blood on the cobbled path, the stone paths. And this frightened the Westerner, the tourists, and they wrote that, what is this, my God? This is the Jagannath when it rolls. The chariot became Jagannath and the God became Jagannath. So today Jagannath means the huge rolling and sound-making vehicle. And these are the holy vessel leaves coming from different monasteries. They are to be now used in decoration of the lords when they are alighted and seated tightly on their individual chariots. The gong beaters are there all around. The maximum numbers of gong beaters are here because Goddess Subhadra has already been seated in her chariot. There is Darpadalana, and Lord Balabhadra is already seated in his chariot. That is the Taladhwaja. So all these gong beaters, they are now gathered all around Lord Jagannatha. So that is why we find so many gong beaters are there. They are wearing something of a loin cloth and also a piece of shoulder cloth of a very similar color. Earlier they used to use the Pakala Gamucha, because that was a textile that was taking a long time to prepare. And that was very soothing. And here is the question that comes from our viewers on WhatsApp. We'll be answering the questions those we will be receiving from our viewers from across the world. And this is the view of the Nandi Ghosa chariot. That is the name of the chariot of Lord Jagannatha. It is draped in yellow and red, red being the common color that is seen in all the chariots, and red signifies the source of energy, and yellow signifies the presence of Lord Vishnu or Lord Jagannatha himself. And Lord Jagannatha is slowly coming in a movement that he enjoys coming among the people, and he enjoys being touched by the devotees, and the devotees, they feel like touching him, and touch is the expression of love. What is the reason behind the coming of brother and sister of Lord Jagannatha with him in Rath Yatra to the Gundicha temple? That's a question that has come on WhatsApp from Rohit Kumar Behra from Bhubaneswar. In fact, this is the annual ritual of the temple. Lord Jagannatha comes out, and this is called Patita Pavana Bhatra Jatra. So many people, they are not able to get inside the temple, particularly the Western devotees, and there are devotees, those who practice different faiths, those who are not allowed inside the temple, they wait for this moment when it would be possible for them to have a full-eyed view of Lord Jagannatha himself. That is the time they can go and touch the Lord, they can touch the chariot, they can touch the cables tied to the chariot, and they can pull the cables of the chariot. This is how the three chariots are parked in front of the Lion's Gate at the onset of the grand road. There would be a few more questions from the viewers. And this is how Lord is coming and is wearing the tahiya, and some bits of the tahiya, they have been plucked away by the devotees or by the servitors just to be carried to their homes as a memento.
as a matter of protection, because everybody comes to Bada Danda or to the Grand Avenue or to the Grand Road just to have a look at Lord Jagannatha, just to be protected, just to be blessed, and just to be at peace with the nature. So this is how the fanning is done, and the center of all attraction, the center of all activities is now concentrated all around Lord Jagannatha. And the sea of people, the sea of devotion is getting thicker and thicker. We can watch the chariot itself. It has become a floating vehicle. It would be just floating and moving and sailing through on the sea of people there on the Grand Road. There comes the second question. From Pradipta Kumar Mohanty in Bhubaneswar, he has the question. It's a beautiful question. Why Lord Sudarshana is seen on the left side of Lord Jagannatha inside the temple? One has to understand, Lord Jagannatha is given 5 times of food offerings. There are six times of pujas are there. 5 times of food offerings are made. Because the early morning, it is the dry food that is given and the wet food that comes during the all 5 times. And one takes the food in the right hand. So it is not possible for Lord Sudarshana to stand on the right side of Lord Jagannatha. So that is why Lord Sudarshana is kept and placed on the left side when Lord Jagannatha is seated on the bizarre throne, or that is called the Ratnabedi in the sanctum in the main temple. Now there is another question that we have got on WhatsApp, and we also encourage and invite the questions from the viewers, those who are watching it live and exclusive courtesy Doordarshan on different channels, Odia National, India, Bharati, Bangla and Yadagiri. He has the question that what is Dayana? What is Dayana? Dayana is a leaf that is loved by Lord Vishnu, or eventually that is loved by Lord Jagannatha. It is something like something very similar to the holy basil leaves. And Dayana is offered, and a garland made out of Dayana is given to Lord Jagannatha. And when they retire for the night, just at the time of the Bada-Shingara-Besa, the flowers coming from different monasteries and also the holy basil leaves, they carried to the top of the chariots, because the lords would be using them. And mostly the Dayana is also brought, and this is how the leaves are brought, and they are supplied by different monasteries also. And this is the sea of people that is becoming deep, thick, and also wide. As we can see, there are the gong beaters are there in the largest numbers, and all the fans, those who are moving all around, all of the deities, they're all gathered and seen here, because all the monasteries, they have come to offer their services for the Lord, because he is the center of all activities. He's the center of all activities. This is how he would be lighting the makeshift ladder. And this is one of the rituals so swiftly, so diligently, and so stylishly the Lord is moving. And once he gets into the chariot, the entire tahiya would be removed and he would be there. And this is the beauty of the tahiya with the Neola Marchia Kadamba, or the bar flower made out of the pit that is put in the tahiya, or the floral pattern that is seen as the headgear. And to continue further, in the beautiful language of Sanskrit, it's over to Professor Pramod Mishra. Jayati Jagannathaha, Manpati Vayam Pashyamaha, Bhagavan Jagannathaha, Jatha Agachati, Tatha Bhaktaha Api, Katham, Vipula Sankhya Samagachanti, Bhagavan Jagannathaha, Samprati Bhaktan Pashyati Kimartham, Karanam Kim, Ekam Eva Karanam, Jomad Bhakta Sameptriyaha, Mama Priyatamaha Padartha, Sansare Kopinasti, केवलं भक्तः एव मम प्रियः पदार्थः इति हेतोः भगवान् जगन्नाथः स्वकीय प्रियाणां दर्शनाय स्वयमेव समागच्छति श्रीमन्दिरं परित्यज्य रत्नमण्डपं विहाय यथा मानवः समागच्छति स्वकीयं प्रियजनं द्रष्टुं सानन्दं सोत्सुकं साग्रहं तथा भगवान् अपि समागच्छति भगवत्
भक्ता नाम दर्शनाय प्रियजना नाम दर्शनाय एतेन भगवतः अभिलाषपूर्ति भवति। अरे मानवाः भवन्तः मम समीपं वारं वारं आगच्छन्ति प्रत्यहं आगच्छन्ति अहं एकवारं भवतां समीपं एव गमिष्यामि। यथा मनुष्याः गच्छन्ति तथा एव अहं अपि चलं जास्यामि। एवं भूतं मां दृष्ट्वा भवतां कोह लाभः अयमेव लाभः अखण्डानन्ददानतः खण्डनात् सर्वदुःखानां सर्वेषां दुःखानां खण्डनं भविष्यति दर्शनेन स्पर्शनेन खण्डनात् सर्वदुःखानां अखण्डानन्ददानतः अखण्डः आनन्दः केवलं भगवतः दर्शनेन प्राप्यते। एतदर्थं जनाः बहुदूरतः समायान्ति न केवलं समायान्ति अस्मिन् दिवसे सर्वे जनाः टिभि पुरतः उपविश्य समग्रविश्वस्मिन् विश्वे भगवतः जगन्नाथस्य विश्वस्य अधिपतेः आगमनं पश्यन्ति न केवलं पश्यन्ति एवं भूतं चक्रनयनं दृष्ट्वा हस्तोत्तोलनपूर्वकम् अभिवादनं कुर्वन्ति अभिनन्दनं कुर्वन्ति आगच्छन्तु भगवन्तः अस्माकं हृदयकन्दरं प्रविशन्तु। यथा भवन्तः सम्प्रति श्रीमन्दिरं परित्यज्य अस्माकं समीपम् आगच्छन्ति तथा वयमपि उत्कण्ठिताः भवताम् आगमनदर्शनं कर्तुम् अत्र अपूर्वं सुयोगं प्राप्नुमः। भगवान् कथं चलति कथं पश्यति कथं सलीलम् आगच्छति कथं सस्नेहं विलोकयति एतत् सर्वम् अन्यस्मिन् समये सर्वथा दुर्लभम् अपूर्वः अयं सुयोगः भक्तानां कृते। भक्ताः पश्यन्ति भगवान् स्वयम् एव पादपातपूर्वकम् अस्माकं निकटम् आगच्छति अस्माकं कृते दर्शनं दृष्टिं प्रसारयति। यस्य नेत्रद्वयस्य दर्शनाय भक्ताः बहुकालतः प्रतीक्षां कुर्वन्ति तस्य एव वर्तुलनेत्रद्वयस्य दर्शनं भक्ताः स्वकीये स्थाने स्थित्वा पश्यन्ति। मन्दिरे प्रवेशाय जादुसङ्कष्टं तैः पूर्वं सोढं सर्वं विस्मृतं भगवतः एवं भूतदर्शनेन भगवान् न केवलं पश्यति अपि तु हसति। तस्य सः मधुरः अधरः सम्प्रति तस्य अपूर्वं मन्दिरं विलोकयामः। यस्य मन्दिरस्य चक्रं वयं पश्यामः अस्य चक्रस्य अस्याः ध्वजायाः पतितपावनध्वजायाः महत् माहात्म्यं वर्तते। ये तावत् जनाः दूरतः पश्यन्ति केवलं चक्रस्य ध्वजस्य वा दर्शनेन यदि प्रणामं कृत्वा यास्यन्ति तदा भगवद्दर्शनफलं प्राप्स्यन्ति अवश्यम् इति शास्त्रोक्तिः इति वेदोक्तिः। एतत् प्रमाणानि गृहीत्वा सर्वे चक्रराजस्य दर्शनं कुर्वन्ति पद्मपावनपताकायाः दर्शनं कुर्वन्ति। पताका स्वयं हस्ताह्वानपूर्वकम् आह्वयति भक्तान् आगच्छन्तु भक्ताः सम्प्रति सम्मिलिताः भगवान् तेषां पुरतः धीरं धीरम् आगच्छति तेषां निकटम् एव भक्ताः रज्ज्वा आकृष्य नयन्ति। सर्वे सेवकाः भगवान् चिन्तयति अरे मम भक्ताः भवतां दर्शनाय अहमेव आगच्छामि भवन्तः अपि मां सस्नेहं नयन्ति। एवं सेवकाः दैतापतिसेवकाः भगवतः अत्यन्तं प्रियः जेतावत् भगवन्तं रज्ज्वा आकृष्य बद्ध्वा नयन्ति। मध्ये एव भगवतः पूजादिकं सम्प्रति वयं पश्यामः तथा चक्रं पश्यामः भगवतः पतितपावनध्वजामपि पश्यामः। इयं ध्वजा यदि चक्रस्य उपरि न स्यात् तदा भगवतः पूजा अवरुद्धा भवेत् इति नीतिः। तथा एवं भूतस्य चक्रस्य दर्शनेन ध्वजस्य च दर्शनेन बहुदूरतः जनाः भगवद्दर्शनसुखम् अनुभवन्ति। सम्प्रति वयं पश्यामः चतुस्थाळम् इदं मन्दिरं कथं पुष्पशोभितं विराजते पुष्पाणाम् आकर्षणेन भगवत् अस्माकं दृष्टिः पवित्रा भवति। समग्रसृष्टेः यः एव रक्षकः यः एव पालकः तस्य अपूर्वं चतुस्थाळं मन्दिरमिदं तस्य चक्रं यच्चक्रं विविधैः ध्वजैः परिशोभितं विलोक्यते अस्य येषां ध्वजानां वारं वारं संस्थापनं भवति। एकस्मिन् काले वयं पश्यामः चक्रं पुनः ध्वजञ्च एवं ध्वजानां उपस्थितिः भवति। कदाचित् भक्ताः
स्वकीयं मनोवांछा पूर्णाय भगवतः कृते एतत् सर्वं मध्ये मध्ये प्रयच्छन्ति स्वतन्त्रः सेवकः सन्ति जे तावत् महता कष्टेन मन्दिरं आरुह्य एतेषां ध्वजानां संस्थापनार्थं परिश्रमं कुर्वन्ति सम्प्रति तस्यैव पतितपावन पताकायाः विलोकनं वयं कुर्मः कथं पवनेन आन्दोलिता भवति पताका न तावत् आन्दोलिता भवति भक्तान् आह्वयति आगच्छत आगच्छत भक्ताः भवतां स्वरूपम् एवं वयं तावत् विलोक्य तथा आनन्दिताः भविष्यामः इति भक्ताः भक्ताः सर्वदा आकृष्टाः सन्तः आगच्छन्ति पताकायाः ध्वजायाः आह्वानं श्रुत्वा दृष्ट्वा एव तथा चक्रराजस्य तथा पताकायाः एवं भूतं दर्शनं वयं कुर्मः अत्र अस्य नीलचक्रस्य उच्चता भवति 11 फुट् परिमितः 8 इञ्च् परिमिता उच्चता अस्ति पुनश्च व्यासः अस्ति 36 फुट् परिमिता एवं तत्र अष्टौ एव मध्ये भवन्ति अरसंख्या अष्टौ पताका पतितपावन इति विख्याता एतत् तावत् पूर्वम् अस्माभिः घोषितं श्रीमद्भिश्रुतं पुष्पमण्डितमिदं मन्दिरं यथा सर्वेषां हृदयमन्दिरं विभूषयति तथा सर्वे पक्षिणः अपि समायान्ति भगवतः दर्शनाय के वा व्याकुलाः न भवन्ति यतः सर्वे जीवाः परमात्मनः दर्शनाय परमात्मनः संयोगसुखलाभाय अत्यन्तम् आग्रहान्विताः सन्तः विलोकन्ते वयं पश्यामः कथं सर्वे भक्तपरिवेष्टितः भवति भगवान् पुष्पवृष्टिः अपि भवति केचित् फटोचित्राणि अपि नयन्ति किमर्थं भगवतः एवं सामीप्यदर्शनम् एवं निकटदर्शनं तैः कदापि न लब्धम् भगवान् पुनः शिरोत्तोलनं कृत्वा स्वकीयपुष्पमुकुटस्य परिचालनं कृत्वा भक्तान् पश्यति आनन्दयति सर्वे भक्ताः विह्वलिताः भगवतः दर्शनाय यथा व्याकुलाः सन्ति तथा एव सेवकाः स्वकीयव्यजनमाध्यमेन भगवतः समीपे शीतलवायुप्रेषणं कुर्वन्ति भगवान् सानन्दितः तिष्ठति एवं वयं विलोकयामः रथत्रयं विलोकयामः भगवतः जगन्नाथस्य रथः पीताम्बरसमन्वितः भगवत्याः रथः रक्तवर्णसमन्वितः कृष्णवर्णसमन्वितः तथा पश्यामः स्वयं भगवान् बलभद्रः नीलाम्बरः रथोऽपि नीलाम्बरसमन्वितः एवं रथत्रयं विलोक्य अस्माकं हृदये भक्तत्रयस्य एव अस्माकं हृदये भगवत्त्रयस्य एव सर्वदा स्फूर्तिः भवति भगवान् जगन्नाथः पश्यति तस्य पुष्पकिरीट पुष्पमुकुटं सम्प्रति अवनमितं दृश्यते भगवान् स्वतः रज्ज्वा आकृष्टः सन् गच्छति उपरि गच्छति ततः धीरं धीरं भक्तान् पश्यति अये भक्ताः भवतां दर्शनाय अहम् आगच्छामि स्वकीयं सिंहासनं परित्यज्य स्वकीयं विलासमयं पुरं विहाय यथा भवन्तः वर्षाशीतवातादिभिः पीडिताः भवन्ति अहमपि तथा पीडितः सन् केवलं भवतां दर्शनाय एव आगच्छामि एवं भगवतः नेत्रजुगलं विलोक्य जनाः विमुग्धाः भवन्ति सम्प्रति कियत्कालम् अपेक्षते भगवान् भगवान् पुनः अपेक्षते केषां कृते अपेक्षा अपेक्षा केवलं भक्तानां कृते वयं द्वाविश्व पावच्छान् पश्यामः तत्र कथं भक्ताः समायान्ति पुनः अपेक्षन्ते केचित् पौरोहित्यादिकर्मविधानाय एवं सिंहद्वारतः मन्दिराभ्यन्तरं प्रति द्वाविंशपावच्छाः विलोक्यन्ते सम्प्रति भगवतः नयनं कथं गमनं भवति इयं भवति पदपादपूर्वकयात्रा पहण्डिजात्रा इति तस्य दर्शनम् अस्माकं न केवलं नेत्रपथम् आनन्दयति अपि हृदयमन्दिरम् उन्मत्तयति वयं सर्वे विह्वलिताः अत्यन्तं केवलं भगवतः दर्शनेन एव भक्ताः रज्ज्वा आकर्षन्ति आगच्छतु भगवान्
भगवन्तंगेव वयं रज्ज्वा आकृष्य नयामः वयं जानीमः भवानेव अस्मान् स्वकीय रज्ज्वा आकृष्य अस्मिन् संसारे स्थापयति सत्व गुण गुण रजोगुण तमोगुण त्रिभिः रज्जुभिः भगवान् आकर्षति भक्तान् संप्रति भक्तः अपि आकर्षति भगवन्तं भगवान् सानन्दं सस्नेहं सच्छाहं केवलं भक्तान् द्रष्टुं जो मद्भक्तः समे प्रियः मम प्रियतमाः जनाः अत्रैव सन्ति भक्ताः अपि अहो भगवतः कृते कापि पीडा कापि बाधा न स्यात् एतदर्थं प्रयत्नपूर्वकं भगवन्तं नयन्ति भगवान् अपि सानन्दं धीरं 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 पावच्छान् अतिक्रम्य उपरि गच्छति एवम् एते पावच्छः धन्याः जनाः धन्याः परिवेशः धन्यः अहो मधुरः परिवेशः भगवान् सूर्यः न तपति भगवान् मेघः न वर्षति किन्तु वृष्टिपातः नास्ति सम्पूर्णः परिवेशः सुधामयः मधुमयः सत्यस्य शिवस्य सुन्दरस्य गमनं भवति अतः परिवेशोऽपि तथा मधुमयः अवश्यं स्यात् भगवतः यात्रा भगवतः गमनं भगवतः दर्शनं अधरं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपते रखिलं मधुरं किं मधुरं नास्ति समग्रः परिवेशः मधुमयः आनन्दमयः सुधामयः जायते भक्ताः व्यजनेन भगवतः कृते सेवां कुर्वन्ति अन्ये तावत् दूरतः पश्यन्ति केचित् दर्शनं न प्राप्नुवन्ति चेत् अति कष्टेन स्वकीय ग्रीवां वक्रीकृत्य पश्यन्ति कुत्र भगवान् वर्तते भगवान् आगच्छति अहो भगवतः नेत्रद्वयं कथम् अस्माकम् अत्यानन्दकरं स्यात् यस्य नेत्रद्वयस्य कवले समग्रविश्वम् आलोडितं भवति एवं भूतम् आनन्ददायकः भगवतः यात्राविशेषः सर्वेषाम् आनन्दं न केवलम् उत्पादयति अपि तु समग्रं दुःखं नाशयति समग्रं विषादं दूरीकरोति हृदये प्रसन्नताम् उत्पादयति भगवान् स्वयं प्रसन्नः स्वयं पावनः तस्य दर्शनेन भक्तः प्रसन्नः भवति पूतश्च भवति एवं पूतस्य भगवतः जगन्नाथस्य सम्प्रति इयञ्जा मनोहारिणी यात्रा तस्याः यात्रायाः पुनः हिन्दीभाषया धाराविवरणं प्रदातुं महोदयाः अनुरुध्यन्ते जयतु जगन्नाथः आ चुके हैं अब प्रतीक्षा है रथ पर आरूढ़ होने की ऐसा कहाँ होता है कि महाप्रभु अपने भक्तों के लिए अपनी रत्नवेदी को छोड़कर आते हों विश्व में हर एक जगह यही परंपरा है कि रथ यात्रा तो होती है लेकिन रथों पर उत्सव विग्रह या चलंती प्रतिमाएं आरूढ़ होती हैं ये जगन्नाथ जी का प्रेम है अपने भक्तों के प्रति कि वे अपने रत्न सिंहासन का मोह छोड़कर चले आते हैं ठीक उसी प्रकार से जब गजेंद्र ने टेर लगाई थी जब एक दुष्ट मगर के मुंह में उनका पैर रह गया था वो अब उनको लीलने ही वाला था पीड़ा हो रही थी तकलीफ हो रही थी और वो अपने पीड़ा के साथ चीत्कार कर उठते हैं टेर लगाते हैं और वो सुनते ही महाविष्णु वैकुंठ को छोड़कर लक्ष्मी को छोड़कर अपने आयुधों को छोड़कर ये सोचा तक नहीं कि भक्त की रक्षा करने जा रहा हूँ तो कम से कम आयुध तो लेके जाऊँ लेकिन कुछ भी नहीं वो सीधे वैकुंठ से दौड़े चले आते हैं और गजेंद्र की रक्षा करते हैं यहाँ पर भी बस एक टेर भक्त की और भगवान स्वयं रत्न सिंहासन के मोह को छोड़कर बाहर आ जाते हैं देखिए ऐसी परंपरा कहाँ पर होगी इतनी भक्तवत्सलता कहाँ मिलेगी और उनको देखने के लिए ये अपार जन पारावार और इन सब की आवाज़ इन सब का हरिबोल नाद उन्हें इतना उत्कंठित कर रहा है कि वो सीधे रत्न सिंहासन से बाहर चले आ रहे हैं यहाँ पे हम एक अद्भुत समन्वय देखते हैं नाना प्रकार के लोग यहाँ पे न जाति का बंधन ना ही स्त्री पुरुष का बंधन ना ही उम्र का बंधन ना ही किसी पद पदवी का बंधन बस हर कोई यहाँ पर भक्त है दरअसल देखा जाए तो भगवान स्वयं
समता के और समन्वय के प्रतीक हैं। इन्होंने सामाजिक, धार्मिक एवं आर्थिक सभी क्षेत्रों में समन्वय स्थापित किया है। अगर सामाजिक समन्वय को अगर हम देखें तो फिर वो जितने भी देव विग्रह हैं, कोई गोरे हैं जैसे भगवान बलभद्र, चंपई वर्ण की सुभद्रा, काले इशित नीले वर्ण के महाप्रभु जगन्नाथ जो अब धीरे 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 रथारूढ़ हो रहे हैं, और लोहित वर्ण के चक्रराज सुदर्शन। इसी प्रकार से इन्हीं चार वर्णों के लोग इस पूरी पृथ्वी पर हैं, और महाप्रभु कहते हैं कि वर्ण भेद उनके सामने टिक ही नहीं पाता। ये संदेश, महान संदेश। और अगर हम धार्मिक समन्वय की अगर हम बात करें तो हम पाते हैं कि यहाँ पर संपूर्ण रूप से स्मार्त परंपरा, जैसे दशावतार महाविष्णु के मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण बुद्ध और कल्कि, तो उड़ीसा में बुद्ध की जगह जगन्नाथ जी को हम मानते हैं, और बुद्ध को जगन्नाथ जी के रूप में हम देखते हैं, अभिन्न रूप में देखने की परंपरा यहाँ पर रही है। जगन्नाथ जी स्वयं विष्णु का अवतार हैं, बलभद्र रुद्रावतार हैं, सुभद्रा आद्याशक्ति का अवतार हैं, और सुदर्शन सौर परंपरा के या सूर्य के प्रतीक हैं। और जब गणपति भट्ट महाराष्ट्र से आते हैं, अपने आराध्य को जगन्नाथ में देखना चाहते हैं और दिखते नहीं हैं, वो निराश होकर जा रहे हैं, वापस उन्हें बुलाया जाता है और ये स्वप्न संदेश मिलता है कि मैं तुम्हें उसी रूप में दिखूंगा जिस रूप में तुम मुझे देखना चाहते हो। और स्नान वेदी के ऊपर महाप्रभु गजानन वेश में दर्शन देते हैं। इस प्रकार से सभी संप्रदाय यहाँ पर हैं, जिसको जैसा देखना हो महाप्रभु उसी रूप में दिखाई देते हैं। इसी वजह से यहाँ कबीर आते हैं, नानक आते हैं, चैतन्य महाप्रभु आते हैं, रामानंद आते हैं, कबीर दास का यहाँ पर कबीर पंथ है, उनके उनका एक स्थल है जहाँ पर कबीर पंथी आते हैं और श्रद्धा से महाप्रभु को समर्पित होते हैं। वो कबीर जो निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना करते थे, महाप्रभु के साकार वेश को देख कर अभिभूत हो जाते हैं। अब देखिए सामने से रेशम की डोरियों में खींचते हुए धीरे 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 महाप्रभु को चारमाल से ऊपर ले जाया जा रहा है। अब यहाँ पर उनका जो भव्य मुकुट है, जो उनका टाहिया है, उसे निकाल दिया जाएगा ताकि महाप्रभु बिना किसी परेशानी के आराम से जा सके। और जैसे ही वो रथ पर चढ़ेंगे, वहाँ पर एक गोल तकिया होगा जिसके साथ उनको बड़ी आराम से टिका कर बिठाया जाएगा और रेशम की डोरियों से उन्हें बांधा जाएगा, जिसे रुंधना कहते हैं। ये उसी प्रकार से है जिस प्रकार से हम यात्रा पर निकलते हैं तो सीट बेल्ट पहन लेते हैं ताकि हमको वो झटके न लगे, यात्रा की थकान न हो। उसी प्रकार से उनको भी बड़ी मतलब एहतियात के साथ उन रेशम की डोरियों के साथ बांधा जाता है ताकि महाप्रभु सानंद पूर्वक इस रथ के ऊपर आरूढ़ हों और अपने भाई और बहनों के साथ जो हैं गुंडिचा मंदिर तक जाएं। गुंडिचा मंदिर तक जाने के पीछे वजह यही है कि गुंडिचा के महारानी गुंडिचा जो कि इंद्रद्युम्न की पत्नी है, उनके ही मंदिर में चतुर्धा मूर्तियों का निर्माण हुआ था। और वहाँ से जब वे रत्नवेदी पर आए और महाप्रभु चले आए, तब गुंडिचा रानी ने कहा था कि ये सौभाग्य मुझे फिर कब मिलेगा। तब महाप्रभु ने उन्हें वचन दिया था कि वर्ष में एक बार मैं ज़रूर यहाँ पर आऊँगा, क्योंकि ये मेरी जन्मस्थली है। इसीलिए इसको हम आड़प यात्रा भी कहते हैं। आड़प का मतलब है प्रारंभ, जन्म, और महाप्रभु वर्ष में एक बार वहाँ जाने के लिए वचनबद्ध हैं। इसीलिए भाई बहनों के साथ रथ पर आरूढ़ होकर वे गुंडिचा मंदिर जाते हैं। हम समन्वय की बात कर रहे थे कि किस प्रकार से जगन्नाथ संस्कृति में समन्वय की सुंदर अद्भुत धारा प्रवाहित होती है। अगर हम यहाँ पे देखें तो महाप्रभु आर्थिक समन्वय भी स्थापित करते हैं। ऐसे कई सारे उदाहरण हैं जहाँ पर ऊंच नीच का भेदभाव महाप्रभु के सामने टिक ही नहीं पाता है। सबसे बड़ा उदाहरण ये कि इस पूरे विश्व के अधिपति सृष्टिकर्ता महाप्रभु हैं, तो इस पृथ्वी पर जो पालन करता है, जो राजा हैं, इतने बड़े राजा पराक्रमी, वे स्वयं
छेरा पहरा करते हैं, अर्थात सोने की मूठ वाली झाड़ू से रथों का मार्जन करते हैं। यही समझ में आ जाता है कि राजा, रंक, धनी, गरीब, इसका कोई भी भेद किसी भी प्रकार का यहाँ पे नहीं रहता है। एक सामान्य सी ग्वालिन के हाथ से लेकर वे छाछ पीते हैं, और इतना ही नहीं, आर्य, द्रविड़ एवं शाबर संस्कृति का एक सुंदर समन्वय जो है हम जगन्नाथ संस्कृति में हम देखते हैं। शाबरों के द्वारा वे पूजित हुए थे, द्रविड़ों के साथ घनिष्ठ संबंध रहा है, और आर्यों के देवता के रूप में यहाँ पर आप प्रतिष्ठित हैं। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो फिर ये सभी संस्कृतियों को अपने साथ लिए हुए चलता है। इस तरह से महाप्रभु सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा के प्राण नहीं, भारत के नहीं, बल्कि समस्त विश्व के प्राण हैं और समस्त विश्व के चेतना का आधार हैं। ये नंदीघोष रथ सजा हुआ अब प्रतीक्षारत है, वो कहता है अब तो आ जाओ प्रभु, अब तो आसीन हो जाओ। लेकिन पता नहीं क्यों महाप्रभु मंदिर रथ के भीतर जा नहीं रहे हैं, रुक रुक कर जा रहे हैं। वजह यही है कि थोड़े से भक्त और मुझे छू लें, थोड़े से भक्त मुझे और देख लें, मैं थोड़े भक्तों के साथ और समय बिता लूं, ताकि भक्त जो साल भर से मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, जो किसी कारणवश मंदिर में नहीं आ सकते हैं, उन सबको मैं देख लूं और वो भी मुझे देख लें। ये सुंदर परस्पर अवलंबन की स्थिति है, जहाँ पर भक्त जो है भगवान पर अवलंबित हैं और जो भगवान हैं वो भक्त पर अवलंबित हैं। अब देखिए धीरे 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 अब ये मंदिर के भीतर जा रहे हैं। ये वो स्थान है जहाँ से उनका टाहिया निकाल दिया जाएगा, और उस टाहिये के छोटे छोटे अंशों को सारे जितने भी दैतापति हैं, सेवक हैं, वो अपने साथ लेकर जाएंगे। टाहिया को घर में रख के पूजा नहीं करते, लेकिन श्रद्धा और भक्ति के स्वरूप के रूप में उनको रखा जाता है। ये तुलसी की मालाएँ आ रही हैं, भगवान का सबसे प्रिय अलंकार होता है तुलसी की मालाएं, क्योंकि तुलसी से सुवासित होना, तुलसी की मालाओं से सजना और तुलसी को ग्रहण करना उन्हें सबसे ज़्यादा प्रिय होता है। देखिए किस तरह से कोशिश की जा रही है कि उस टाहिया को निकालें और उन टाहिया के फूलों को ले लें। भक्त जो हैं उनके बाहुओं को पकड़ रहा है, उनको गले लगा रहा है, उन पर चढ़ बैठ रहा है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से एक छोटा सा शिशु जब अपनी माता के ऊपर अतिशय प्रेम आता है तो फिर वह उनके शरीर पर चढ़ जाता है, उनके आँख नाक सबको दबोच लेता है, वो उसका प्रेम का अतिरेक है। और ऐसा ही भावनाओं का अतिरेक, भावनाओं का ज्वार भक्तों में भी दिखाई देता है। उन्हें ये इस बात का एहसास नहीं कि भगवान को कष्ट हो सकता है, वो तो अपने प्रेम को निछावर करने के लिए आतुर हैं। देखिए किस तरह से उस टाहिया को निकालने के लिए आतुर हैं, और उसकी जगह तुलसी की मालाओं से भगवान को सुसज्जित करने के लिए, अलंकृत करने के लिए तुलसी की मालाएं जा रही हैं। और अब भगवान रथ के भीतर प्रवेश करेंगे, और उनके लिए जो आसन बनाया गया है, पीछे में गोल मुलायम तकिया लगाया गया है, उससे टेक कर हम इस विश्व के राजाधिराज उस पर सवार होंगे। उन्हें बड़े आराम से रेशम की डोरियों के साथ रुंधा जाएगा, और उसके बाद जब वे यात्रा पर निकलेंगे तो सभी को दर्शन देते हुए, सभी की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हुए, सभी के साल भर के सभी पातकों का विनाश करते हुए, सबको वो सौभाग्य देते हुए आगे बढ़ते चले जाएंगे। सामने इतना विशाल जनपारावार, सामने आप देख सकते हैं कहीं कोई अटारी, कहीं कोई जगह ऐसी नहीं है जहां पर भक्त नहीं है। हर कोई एक दृष्टि भर भगवान को देख लेना चाहता है, कहीं पर भी जगह मिल जाए, और इसके लिए परिश्रम करके वह उस जगह तक पहुंचना चाहता है। और इस तरह से हम देख रहे हैं कि बाकी दोनों रथों में देव विग्रह, उनके देव विग्रह अधिष्ठित हो चुके हैं, और जगन्नाथ भी अपने रथ में आ चुके हैं। और इन तीनों रथों को अगर हम देखें, उसकी रंग संयोजना को देखेगा, उसमें लोहित वर्ण है, उसमें पीत वर्ण है, उसमें हरिद्र वर्ण है, और ये तीनों ही रंग जिसको कि हम बेसिक कलर्स कहते हैं, ये बेसिक कलर्स जिनमें से विश्व का हर एक रंग निकलता है, और जब ये तीनों मिल जाते हैं तो धवल शुभ्र वर्ण बन जाता है, जो दैवत्व का प्रतीक है, जो भक्ति का प्रतीक है। और यहाँ पर भी इन तीनों रंगों से ही इतने सारे रंग जो यहाँ बड़दांड के ऊपर बिखरे पड़े हुए हैं, चाहे वह उस मंदिर के ऊपर सजे हुए फूलों का रंग क्यों ना हो, यहाँ पे
भक्ति का रंग क्यों न हो, अलग अलग भावनाओं का रंग क्यों न हो, लेकिन यहाँ पर आकर सब एकीकार को प्राप्त हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, भगवान के चरणों में विनम्र रूप से श्रद्धा के साथ समर्पित हो जाते हैं। अब मैं अनुरोध करती हूँ महापात्र जी से कि आगे की धारा विवरणी वो सुनाए। थैंक यू विदुला जी। An incredibly grand sight. A few seconds back, you saw on your screens the picture, the full picture of the three Rathas in position, waiting for the respective idols to be placed, enthroned, waiting for the lakhs of devotees gathered here today to pull the chariots. Here again you see the red and green, the red and black, and the yellow and red of Jagannath and his two siblings. The crowd has swelled enormously. Here you see the very sacred visual of Ma Batamangala. Ma Batamangala is right at the beginning of the approach to Puri. And by herself, she represents all that is good in the feminine heritage of our country. The interiors of the Batamangala temple, the beautiful silver-bedecked image, and the arati. Please notice the gold-hued eyes, the bindi on top of her forehead, bedecked with so many colorful and beautiful flowers. This is Bata Mangala. She means a lot to the people of Orissa. All those people who entered Puri must pause at Bata Mangala, offer their devotion, their little coconuts and flowers as prasad, and carry with them the bale leaves and the flowers that are given to them by the Brahmin priests. Please notice the large multitudes of people thronging. They have now, the empty space in front of the Rath, which is about 60 meters, has now become full of people, devotees. There are dancers among them, there are musicians among them. There is a horde of sarvaitas dressed on the right center of your screen, dressed in the, what's called the gamcha, the orange colored towel, thin cotton towel, that is a must for the sultry weather of Puri today. Here again, the lovely sight of the chariot of Sri Jagannath. On the right of your screens, you can see the entrance to his home, the Lord Jagannath Temple. And atop the chariots, dressed in various hues, mostly the sarvaitas, the Brahmin upper caste sarvaitas, bare-bodied, the upper body is bare, but they are dressed in cream and white-colored dhotis. And in the center of the chariot, you see the canopy. And as you see now, a very dramatic moment, which is the final push and pull of the image of Lord Jagannath, almost as if he's reluctant to go. Remember, he's going on a trip to his aunt's house, Gundicha Mandira. He's leaving his beloved home. He has taken his brother and sister along with him. He's slightly peeved. It seems that he is reluctant to go, but he has to go. He has to go. That is written in the destiny of Sri Lord Jagannath. Partly the reason could be that he wants to see the hordes of the throngs of devotees, the lakhs of people who have gathered here. Once he's inside, he will lose touch with them perhaps, and the rituals will follow, the pujas will follow, the tulsi and the flowers will be placed at his feet and around him.
but a last look at the lakhs of devotees thronging the Bada Danda, the big courtyard in front of the temple, stretching for as many as 3.5 kilometers. Yes, this is what we have all come for. The vast multitudes, the ocean of people, of various hues. There is no male, female, there is no rich, poor. Even the king is a servant of Lord Jagannath, a representative on earth, but a servant nonetheless, who will, in course of the day, come with a golden broom and do a ritual cleaning of the Ratha platform. You could now hear a sound of the hulu huli as women make a clicking sound with their throats, and that is a place and time where the emotion is there of devotion. It's called the hulu huli in Odia, and it finds reflection in various other states and other cultures. It's very specific to women. It is called the hulu huli. Now I give it over to my colleague Shri Panda. Mahodadhi, yah wah jagah hai jahan par ratnakar har tarah se pratiksharat panch tirth ka yah pavitra sthal yahi par wah पावन दृश्य है, वह स्थल है जहाँ पर भगवान जगन्नाथ की कृपा से ये महोदधि का दृश्य आप देख रहे हैं अपने टीवी मॉनिटर पर। वहाँ पर एक स्वर्ग द्वार भी है जहाँ पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। पंच तीर्थ, महोदधि, ये धर्म कानन है, यह एक सांस्कृतिक स्थली है जहाँ से हर प्रकार यहाँ आध्यात्मिक, धार्मिक चेतना का संचार जाता है पूरे विश्व को। किस तरह से समंदर की लहरें, उतंग लहरें बार बार एक ही बात कह रही हैं कि हमें चाहिए आज भगवान जगन्नाथ के चरण स्पर्श। ये जो अपार भीड़ देख रहे हैं, यह बड़दांड का चौड़ी सड़क राजमार्ग का वह दृश्य है जो भगवान जगन्नाथ के लिए स्वयं बना हुआ है। यह राजमार्ग, इसलिए मैं राजमार्ग कह रहा हूँ कि भगवान जगन्नाथ जिस मार्ग पर चलते हैं वह बड़ा मार्ग होता है। तीनों रथों को देखिए, ये तीनों रथ हमारे चलते फिरते मंदिर हैं, और इन तीनों मंदिरों में जिस तरह से देवता विराजमान होते हैं, वे वर्तमान, भूत और भविष्यत के प्रतीक हैं। भगवान जगन्नाथ का यह, ये देखिए, भोलेनाथ तीर्थ, मार्कंड, ये पुष्करणी है एक तरह की। ये मार्कंडे पोखरी, तालाब, यहाँ पर अनेक तालाब है, जैसे अक्षय तृतीया के दिन से चंदन तालाब पुष्करणी में भगवान जगन्नाथ का ये पांच तीर्थों का समाहार है पूरी, जिसमें चंदन तालाब आप देखते होंगे 21 दिनों तक भगवान जगन्नाथ की विजय प्रतिमा मदन मोहन का वहाँ पर चंदन यात्रा अनुष्ठित होती है। मार्कंडे पोखरी का यह दृश्य देखिए, कितना सुंदर आकार, कितनी सुंदर छवि, प्रकृति का खुला वातावरण, चारों तरफ से नारियल के दृश्य। ये पंच तीर्थ इस सांस्कृतिक नगरी की अपनी एक अलग पहचान है। भगवान जगन्नाथ रथारूढ़ होने जा रहे हैं, अपने भक्तों, सेवायतों और श्रद्धालुओं के साथ वे नंदीघोष रथ पर विराजमान होने के लिए अग्रसर हो रहे हैं। यह जो
श्वेत गंगा, यह अपने आप में काफ़ी मशहूर है। श्वेत गंगा का अपना एक पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व है। एक समय था जहाँ पर हंसों की जोड़ियाँ आया करती थी और इस तरह से एकाग्रता का संदेश देती है भक्ति का। श्वेत गंगा आप देखिए किस तरह से साक्षात अपने आप में गंगा का स्वरूप है। ये श्वेत गंगा, मैं बार बार आपको बता रहा हूं कि यह पंच तीर्थ है और यहां पर अलग अलग पुष्करणी है, अलग अलग तालाब हैं और इन तालाबों का अपना एक अलग महत्व है। इसमें गोते लगाने का, स्नान करने का और जीवन में कुछ पाने का, क्योंकि भक्ति का यह धर्म कानन अपने आप में इस बात का संदेश देता है कि यहाँ पर सभी धर्म आकर के मिल गए हैं। यह शंख क्षेत्र है और इस शंख क्षेत्र के आकार की सांस्कृतिक नगरी पुरी का यह दृश्य देख रहे हैं। यहाँ पर लाखों श्रद्धालु जगन्नाथ भक्त आज महाप्रभु जगन्नाथ के गुंडिचा यात्रा देखने के लिए आए हुए हैं और उसी संख्या में यहाँ पर सरकारी, अर्ध सरकारी, गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा अनेक प्रकार के सहयोग प्रदान किया जाता है। ये कुछ ऐसी संस्थाएं होती हैं जिनका अपना एक विशेष महत्व है, जिसमें पूर्व तट रेलवे का अपना विशेष योगदान होता है, साथ ही साथ जितने भी बैंक हैं, सरकारी बैंक, अर्ध सरकारी बैंक और यहाँ पर जो रैपिड एक्शन फोर्स किस तरह से सुरक्षा के लिए तैनात और पुलिस बल, स्थानीय प्रशासन और उड़ीसा प्रदेश सरकार की ओर से, पुलिस प्रशासन की ओर से अमन चैन शांति और सुरक्षा और सही तरीके से रथ यात्रा अनुष्ठित हो, इसके लिए भरपूर प्रयास किया जा रहा है। आज से एक दिन पूर्व एक मॉक ड्रिल किया गया था, अभ्यास किया गया था कि रथ यात्रा के दिन कैसे पुलिस प्रशासन नियंत्रण करेगी भीड़ को, और उसका प्रमाण आप देख रहे हैं कि लाखों की संख्या में श्रद्धालु भक्तों को किस तरह से शांतिमय तरीके से भगवान जगन्नाथ के दर्शन के लिए ये व्यवस्था की गई है। यह जो देख रहे हैं फूलों से सजा हुआ दृश्य, रोहिणी कुंड, ये रोहिणी कुंड भी अपने आप में एक मंदिर के अंदर का वह व्यवस्था है जहाँ पर हमारे देव देवियाँ रहते हैं। मैं बता दूँ 10 एकड़ में फैले हुए श्री मंदिर में लगभग 120 अलग अलग देव देवियाँ हैं, पुष्करणी हैं, अलग अलग कल्पवट से लेकर ऐसी धरोहर है, सांस्कृतिक धरोहर, जिसे अभी आप देख रहे हैं। प्रतीक पावन बाना, हमारे सहयोगी, आपको बार बार बता रहे थे अष्ट धातु का निर्मित यह और उस पर लहराता हुआ यह पतित पावन बाना। बहुत आनंद आया जब प्रमोद मिश्र ने ये जानकारी दी कि ये पताका फहराता है स्वतंत्रता के। ये इंद्रद्युम्न तालाब, इंद्रद्युम्न तालाब का अपना एक पौराणिक, इंद्रद्युम्न तालाब ही इस बात का साक्षी है कि किस तरह से इस श्री मंदिर के निर्माण की व्यवस्था हुई और पंचतीर्थ का एक हिस्सा है। मैं आपको यही बता दूं कि इस श्री मंदिर का जो निर्माण हुआ, इस निर्माण के क्रम में एक ही बात की चाहत थी कि जिस तरह से भगवान विष्णु के अवतार स्वरूप कलयुग में पूर्ण दारू ब्रह्म के रूप में भगवान जगन्नाथ को प्रतिष्ठित किया जाए, इसके लिए अवंती नरेश किस तरह से व्यवस्था किए, ये इंद्रद्युम्न तालाब जो देख रहे हैं अपने आप में उसी का संदेश देता हुआ यह पंच तीर्थ का जो स्वरूप आप देख रहे हैं अपने आप में, यह भक्तों के महास्नान का रूप है। क्योंकि यह तीन तरह से याद रखा जाता है पूरी क्षेत्र, एक है तीर्थ के रूप में जहाँ पर देवता निवास करते हैं वह भगवान जगन्नाथ का रूप, और तीसरा जहाँ पर रथ यात्रा अनुष्ठित होती है
यह एक बहुत बड़ी व्यवस्था है। यह जो फूलों का श्रृंगार देख रहे हैं, यह हमारे वैसे ग्रुप की देन है जिसे वैष्णो देवी में मौका मिलता है। इस बार पहली बार श्री मंदिर प्रशासन ने इन्हें मौका दिया। ये समूह है AIMIL और SGBL ग्रुप, इन दोनों के सहयोग से यह फूल सेवा पहली बार इस रथ यात्रा के इतिहास में इंट्रोड्यूस की गई है और अपने आप में बहुत ही उम्दा प्रयोग है श्री मंदिर प्रशासन का, क्योंकि भगवान जगन्नाथ फूलों के बहुत शौकीन हैं। जिस तरह से वस्त्रों के शौकीन हैं, उसी तरह से फूलों को भी ये बहुत पसंद करते हैं, और इसके लिए हम हार्दिक बधाई देना चाहेंगे कि फूल सेवा जिस तरह से AIMIL ग्रुप और SGBL ग्रुप ने इस बार प्रस्तुत किया वह सराहनीय है। भगवान जगन्नाथ की असीम कृपा जैसे अपने सभी भक्तों पर बनी रहती है, इन लोगों पर भी बनी रहे। ये भक्तों का जो पारावार देख रहे हैं, ये श्रद्धालु भक्त हैं, इनके मन में भगवान जगन्नाथ के प्रति अटूट भक्ति है, और भक्ति और प्रेम दो चीज चाहते हैं। भक्ति और प्रेम ब्लाइंड होता है, अंधविश्वास। हम मान करके चले कि भगवान जगन्नाथ एक ही देवता है जो हमारे जीवन का कल्याण कर सकते हैं, लेकिन एक शर्त है कि भगवान जगन्नाथ ऐसे देवता ब्लाइंड विश्वास करने वाले नहीं है। जब तक हम अपने अहंकार का त्याग नहीं करेंगे, तब तक वो स्वीकार ही नहीं करेंगे भक्ति को। यह देखिए निवेदित किया जा रहा है, हाँ माँ चुड़ा, जिस तरह की व्यवस्था आप देख रहे हैं, यह एक अलौकिक चीज है। यह सांसारिक और पारिवारिक जीवन की एक ऐसी चीज है। महा उत्तर प्रदेश और बिहार, अलग अलग प्रदेशों से आए हुए जो लोग हैं, आज देखिए हमारे उड़ीसा प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री नवीन पटनायक अपने मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ, और महामहिम राज्यपाल हमारे आध्यात्मिक चेतना के बहुत बड़े अग्रदूत प्रोफेसर गणेशी लाल, जो अभी अभी आपने देखा अपने टीवी मॉनिटर सेट पर, ये तीनों रथों का जो रूप है अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। हम सबों को एक चीज़ देखना चाहिए कि व्यक्ति को हमेशा जीवन में दो तरह की शिक्षाओं की जरूरत होती है। एक शिक्षा होती है औपचारिक, और दूसरी शिक्षा होती है अनौपचारिक। गुंडीचा मंदिर अनौपचारिक शिक्षा का यह पावन संदेश देती है, क्योंकि साधु महात्मा सन्यासी जो भी आते हैं केवल एक ही संदेश देते हैं, आध्यात्मिक चेतना। जहाँ पर भगवान जगन्नाथ का यहाँ पर ये हुआ था गुंडीचा घर, जहाँ पर उन्होंने किस तरह से अपने विग्रह स्वरूप को स्वीकार किया था, यह वही जगह है जहाँ पर भगवान जा करके 7 दिनों तक विश्राम करेंगे। भगवान जगन्नाथ की जनकपुरी यात्रा, यह वह जनकपुरी है जो पूरी तरह से सुसज्जित है। यह गुंडीचा घर, गुंडीचा घर, गुंडीचा मंदिर, गुंडीचा वह देवी, वह महारानी जिसने जीवन में एक ही कल्पना की थी कि किस तरह से हम भगवान जगन्नाथ को विष्णु रूप में यहाँ पर देखें। अवंती नरेश का सपना, सतयुग का सपना, और देवी किस तरह से गुंडीचा ने किस तरह का प्रयास किया आज आप देख रहे हैं। 1000 वर्षों से यह रथ यात्रा गुंडीचा घर में आकर के 7 दिनों तक विश्राम करने का उपक्रम, और यहाँ जो व्यवस्था रहती है वह श्री मंदिर की ही व्यवस्था रहती है। 7 दिनों तक जो चतुर्धा मूर्ति यहाँ पर विश्राम करेंगे, उनको हर प्रकार से वही भोग निवेदित होता है, वही सारी व्यवस्था होती है। ये देखिए श्री मंदिर से गुंडीचा की कुल दूरी, कुल फासला 3 किलोमीटर के करीब है, और यहाँ तक पहुँचने में भक्तों के द्वारा खींच कर लाने में मात्र कुछ घंटे नहीं, कभी कभी तो पूरे दिन लग जाते हैं। यह ऐसी व्यवस्था गुंडीचा घर, जो मौसी का घर, जहाँ पर भगवान जगन्नाथ यहाँ आकर के 7 दिनों तक विश्राम करेंगे, और 7 दिनों तक विश्राम के दौरान
मैं देखा हूँ उड़ीसा प्रदेश के जितने भी जगन्नाथ भक्त हैं, बड़े बुजुर्गों को मैंने देखा कि रथ यात्रा में अपनी असुविधा, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर नहीं आते हैं, लेकिन गुंडीचा घर जरूर आते हैं, क्योंकि गुंडीचा घर से ही उनको मालूम है कि भगवान जगन्नाथ इस प्रदेश के देवता बने और इष्ट देवता के रूप में पूजे गए। और जगन्नाथ संस्कृति अगर मूल रूप में कही जाए तो उड़िया संस्कृति ही है, जिसमें एकता, शांति और मैत्री का पावन संदेश निहित है। आगे का विवरण हमारे सहयोगी श्री सरोज देवन। जय जगन्नाथ, ऑल द ग्लोरीज टू लॉर्ड जगन्नाथ। एंड इन द बैकग्राउंड इज द 12th सेंचुरी एडिफाइस, दैट इज द मेन टेंपल दैट इज डेडिकेटेड टू द वर्शिप ऑफ लॉर्ड जगन्नाथ। And it stands on a small hillock, and that is called the Nilachala. If a person stands on the grand road just in front of the temple and looks at the temple and imagines there is no temple, he would understand, or she would understand, that in the absence of the temple there is a small hillock, and the small hillock is called the Nilachala or the Blue Mountain. Blue Mountain it is called because it used to be infested with greenery, and the temple came up, and thereafter the inner walls came, and after that, during the time of King Kapilendra Dev, the outer wall came, which is now known as the Meghanada Prachira. And Meghanada Prachira is called the Bahara Beda or the outer wall, and there is an inner wall that is called the Bhitara Beda. And after that, one gets into the inner yard of Lord Jagannatha's temple. So this is how the temple is positioned, and the entire temple complex stands on an area of 10 acres of land, little more than that. But whatever that is, the entire structure did not come at one go. It got developed over the centuries, and during the time of different rulers, during the time of different dynasties. So this is how the temple came up. And the main temple that we find, it is in a curvilineal structure that is very, very intrinsic to the Odia style of architecture. And that used to be covered with lime plaster. And it was removed just to show the beauty of the beauty and grandeur of the temple architecture and the designs. And this lime plaster was made by the different, now this is the Gundicha Temple, and this is going to be the center of all attraction for the 9 days or 10 days. And this is the main entrance to the Gundicha Temple, and that is also known as the Lion's Gate, because two stone lions, they flank the gates, and this is the inner canopy of the temple, so beautifully painted and decorated. And above the door jamb, there are the images of the Navagraha representing the 9 planets, and all the 9 planets, they have their origin to Lord Jagannatha. On the left side is the Srimandira or the main temple, where Lord Jagannatha is seated all through the year, and he would be going to the Gundicha temple, where all actions would be removed from main temple to the Gundicha temple for the 10 days. And it looks so beautifully bedecked that Gundicha temple is waiting eagerly for the arrival of Lord Jagannatha. Approximate distance between the two temples are 3 kilometers, and right now the 3 kilometer stretch of road, very wide road indeed, it is flooded with all devotees from all over the places, many from the state of Odisha, many outside the state of Odisha, from all over India, and many hundreds are from outside India, from different corners of the globe. They all have one aim, one intention, that is to have a look so that they can be in communion with the two huge round eyes. So this is how they are. And on the top pinnacle of the main temple, there is the Nila Chakra, and this is how the 3 cars or the 3 chariots of the lords are parked in front of.
in the front part of the temple, and this is the crowd of the people. This is the sea of devotees, sea of devotion, and the sea of people coming from different places, and the entire stretch of road from main temple, that is the Sri Mandira, to the Gundicha temple is jam-packed with the people, because people, they want to perch themselves in such a way that they would have a comfortable view of the arrival of the Lord. And this is the entire stretch of land amounts to 3 kilometers roughly, and this is very wide road, and the width of the road had been designed by the celestial designers for centuries and centuries, and there was no road in the humankind which was so wide right from the beginning. Of course, the cities have come up, the metropolitan cities, the international cities, designed and planned by the architects and the town planners. They have the wide roads, but in the days of yours, this was the widest road, and this was designed widely just to give the safe passage to the chariots. And there is a cordon there, the outer cordon is there. As you can see, the blue draped rapid action force sepoy is there, finding it very difficult to handle the thronging crowd, because they are pushing and jostling with each other just to have a close view of the chariot. And when the cables would be tied to the chariots and the devotees, they would be allowed to drag the cables. And one has to understand what is the mesmerized madness that the people would be having just to pull the cables of the chariots, because people believe that if they can get a chance to pull the chariots at least once in a lifetime, that will bring them some amount of salvation. Because Hinduism believes that the end of all devotion, all worship and all meditation and all penance is salvation, and salvation is the ultimate aim of the people. And this is the top pinnacle of the main edifice. Neela chakra par dhoja biraje mastake sohe hira thakur aage dasi nache kahe das kabira. This is what Saint Kabir had said, Lord, many centuries back, when he was present to witness the car festival here at Puri. The researchers say that the entire alloy metal wheel is about 150 kilograms it weighs, and it stands at a height of 12 feet, and this is the sea of people. And the question now we have received from one of our viewers from Bhubaneswar, Amlan Nanda, what is the significance of the different colors of cloths which are used on different chariots? We have the three chariots draped very beautifully. What is the significance of the cloths of different colors used in the chariots? Red is the common color that is found in all chariots, and red signifies the energy. And lords themselves are the source of all energy, the primeval devotee, the origin of all avatars. And yellow, that is the hallmark color of Lord Jagannath, because he is viewed as none other than Lord Rama and Krishna, and Krishna has his favorite color. He loves to be draped in yellow, so that is why his chariot is also draped in yellow. And black is the color of the chariot of Goddess Subhadra, and black is mysterious, and that is the significance of the feminism. And the green is the hallmark color of Lord Balabhadra's chariot, and green means the greenery all around the universe, because he is understood to be the representative of all the agrarian world, and that is why it's green. It's not exactly green, it is bluish green, because that is the color one gets to find from a distance when one views the greenery. And Puri is full of greenery, the coconut trees are found everywhere, and Lord is seated there inside, and somebody is holding the chita there, and the chita would be put it there on the head of Lord Jagannatha. And there's the twin parrot, Shruti and Smruti. What is Shruti? Shruti is what we hear, and Smruti is what we remember. We cannot separate between hearing and from remembering. Unless we hear, we cannot remember. And if we don't remember, then we cannot hear. So these are all the opposite angles of understanding of the universe. They are seated around the podha, or the main pinnacle of the chariot. And on that, there is the
Dadhinauti and Kalasa. And during the rest of the year, who is worshipped in the Gundicha temple? And this is asked by Samiksha Gartia from Kanpur. Actually, there is no worship that is held in the Gundicha temple because there is no Lord. When Lord goes, Lord Jagannath with siblings, they go inside the Gundicha. It is called the Badi or the Gundicha Ghar or the Gundicha house. It becomes the temple. Otherwise, it is not called the temple. And the rest of the year, it is kept under the lock and key. And only the cleaning is done. And the holy sweeping is done just a day before the Rath Yatra by the Vaishnava devotees. And they clean the Gundicha house and gets it ready to be called as a temple just to receive the Lord's arrival. So that is all about it. And this is how the sea of crowd is getting thicker and weaker all around. And people can be seen at every vantage spot on the rooftops, on the top pinnacles. Even some people, they are seated on the canopy of the Lion's Gate. Because that is the madness, that is the mesmerized madness. People want to have a look at it. Because more you look at it, more you become interested to get glued. And there is another question from Chhattisgarh we have found from Suchitra Vera. When the lords move out of the main temple in Gundicha Jatra, or they move into the Gundicha temple, what worship or who is worshipped inside the inner sanctum of the temple? Who are worshipped in the main temple of Lord Jagannatha when he leaves for Gundicha temple? Actually, when Lord Jagannatha is positioned on the visual throne or the Ratna Vedi, along with him, there are the seven deities, the seven idols, they are also worshipped. And when Lord Jagannatha comes out in the Rath Yatra, Lord Jagannatha, Lord Balabhadra, Lord Subhadra, and Goddess Subhadra and Lord Sudarsana, along with that, Ramakrishna and Madana Mohana, they also go. And that leaves Bhudevi and Sidevi and also Nilamadhava there. Nilamadhava is the oldest image of Lord Jagannatha. It doesn't go through the rebirth or the Navakalevara or the new making of the bodies. So Nilamadhava is worshipped. And Bhudevi and Sridevi, the metal images, they are also worshipped. And three images, they are worshipped in the temple. And this is the top pinnacle of the chariot of Lord Jagannatha. पुरी में रथ का निर्माण पारंपरिक शैली से किया जाता है। पंचतत्व से मानव शरीर के निर्माण की भांति रथ निर्माण में भी पांच तत्वों का प्रयोग किया जाता है। इन पांच तत्वों में से प्रमुख होती है लकड़ी। इसे स्थानीय भाषा में दारू कहा जाता है। इसके लिए मुख्यतः साल, असन, धौरा, अर्जुन, फांसी आदि लकड़ियों का प्रयोग किया जाता है। महाराणा सेवक, भोई सेवक, लुहार, चित्रकार, रूपकार, दर्जी सेवक पुरखों से रथ निर्माण के विभिन्न पर्याय से जुड़े हुए हैं। वैसे रथ खला यानी रथ निर्माण स्थल में निर्माण का प्रमुख कार्य महाराणा सेवक ही करते हैं। रथ निर्माण का पहला काम है तुम्ब बनाना। पहिए के मझोले हिस्से को तुम्ब कहा जाता है। इसी तुम्ब में 16 जोड़े छेद बनाए जाते हैं। पवित्र नरसिंह चतुर्दशी के दिन शुभारंभ के बाद गुज हेतु लकड़ी काटी जाती है। इसके उपरांत हर तुम्ब में 16-16 अर यानी स्पोक संयुक्त किए जाते हैं। उसी तरह पहिए के पही में छेद कर उसे अर के साथ उलझा कर कील ठोक दी जाती है। हम लोग पहिए के निर्माण के साथ गुज, जल यंत्र और कुड़का आदि भी बनाते हैं। डंडे पर साल करते हुए उसे अख पर डालते हैं। डंडा अख से ठीक से पकड़े रखे, इसके लिए उसमें खांदी की जाती है। अपनी भाषा में इसे हम लोग गुड़ई कहते हैं। गुड़ई करने के बाद डंडों पर कील ठोक कर उसे अख के साथ
उलझा दिया जाता है। इसका अगला पर्याय है गरगरा। गरगरा दो मुख्य लकड़ी होती हैं। इस पर रथ के चार प्रमुख खंभे यानी चारी नाहका को खड़ा किया जाता है। चारी नाहका के पास 14 गौण खंभा यानी 14 नाहका लगाया जाता है। चार नाहका मोटा होता है जबकि 14 नाहका की मोटाई कम होती है। चारी नाहका और 14 नाहका के ऊपर पहली, दूसरी व तीसरी भूमि तैयार की जाती है। तीसरी भूमि पर पोटल को अवस्थापित किया जाता है। प्रथम परस्त पोटल अमर लागी सल्लानी। पोटल 13 परत वाला होता है। इस पोटल के छठे व सातवें परत को पाराभाड़ी कहा जाता है। पोटल के 13 बिस्तर को खपुरी कहते हैं। पोटल निर्माण के बाद वेदी तैयार की जाती है एवं इसी वेदी पर और एक आसन बनाया जाता है जिस पर महाप्रभु को विराजमान कराया जाता है। इसे हम सिंहासन कहते हैं। रथ के चारों ओर तोरण की आकृति के चार द्वार लगाए जाते हैं जिसे द्वार घड़ा कहा जाता है। सम्मुख भाग के द्वार घड़ा के दोनों ओर हाथी के सर की आकृति वाले मोटे पट्टे को मकर दंडा कहते हैं। खपुरी के ऊपर भाग में दधि नौती और इसके दोनों तरफ दो उल्टे शुक यानी तोते बने होते हैं। इन तोतों को नव कलेवर के समय बनाया जाता है। इसके साथ रथ के चारों ओर हंस पाटा लगा रहता है। रथ पर बने सिंहासन के नीचे बेदी के आसपास बने पाटा को गाय पाटा कहते हैं। रथ के निश्चित स्थान पर पार्श्व देवताओं को लगाया जाता है। हर रथ में 9 पार्श्व देवता स्थानित होते हैं। रथ के बाएं पार्श्व में सारथी होता है एवं रथों के सम्मुख 4-4 घोड़े संयुक्त किए जाते हैं। सुरक्षा के लिहाज से रथ के चारों ओर बने बाड़ को स्थानीय भाषा में जाली कहते हैं। दधि नौती के ऊपर कलश और चक्र संयुक्त किया जाता है। सबसे ऊपर चक्र एवं चक्र के ऊपर ध्वजा शोभायमान रहती है। हम दृढ़ता से कहते हैं कि इस नाप में हमारी स्वतंत्रता है। हम सभी साड़ी बंधा सेवकों के पास यह नाप है। हमारे पास हाथ से बनी नाप की लकड़ी है, उससे हम हाथ और अंगुल के नाप से इसे नापते हैं। श्रद्धालु बहुत ही बेसब्री से अपने प्रभु को रथारूढ़ हुए देख रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि रथ पे विराजमान अगर प्रभु को कोई अपने नयनों से एक बार देख ले तो वो फिर से दूसरे जन्म की कामना नहीं करता, उसको मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये सभी भक्तगण ना जाने कहां कहां से आए हैं, अपने मन में कितनी श्रद्धा कितनी आस्था लिए हुए आए हैं। कहते हैं ये सारे ब्रह्मांड की रचना पंच महाभूत तत्व जल वायु अग्नि आकाश और धरती सारी सृष्टि इसी से हुई है। और ये जो सुंदर मंदिर और ये जो रथ इसके भी जो संरचना है ये पंचरथ वास्तु से प्रभावित है। और ये इसमें मंदिर में जैसे चार विशेष अट्टालिकाएँ दिखाई दे रही हैं और उसके बाहर ये तीन मंदिर, इन सब का समन्वय ही तो मिलकर पूरी रथ यात्रा की पूर्णता करता है। अभी तक भक्तों का मन की आनंद पूर्णता नहीं हुई है। कोई नित्य से आप देख रहे होंगे जो सुबह से इस रथ यात्रा का सीधा प्रसारण देख रहे होंगे, वो देख रहे होंगे कैसे बिना रुके कोई नृत्य में कोई संगीत में कोई घंट वादन में कोई निनाद में सभी तरह से अपनी भक्ति को प्रस्तुत कर रहे हैं। अंदर वो विशाल मंदिर श्री मंदिर वो शून्य हो चुका है क्योंकि उनके प्रभु अपनी रत्न वेदी को त्याग कर रथ के ऊपर आ चुके हैं। भक्त लेकिन फिर भी आनंदित है क्योंकि उनकी इसी भक्ति के लिए इसी आनंद के लिए तो अपनी रत्न वेदी को छोड़कर यहाँ आए हैं। और इस यात्रा में गुंडीचा यात्रा में वो अपनी कर्म वेदी को छोड़कर अपनी जन्म वेदी अर्थात गुंडीचा मंदिर की तरफ जाएंगे और वही 3 किलोमीटर की यात्रा रहेगी। अभी देख रहे हैं कि हम लोग जो अभी अभी जिन्होंने अपना टीवी खोला है उनको बताना चाहते हैं कि सुबह की मंदिर के भीतर की पूरी गुप्त नीति और से प्रभु के चारों विग्रहों की पूजा होकर पहंडी जिसको कहते हैं पदहुंडन छोटे छोटे